नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। मैं हूं दीपांशु भंडारी और बाजार में एक्शन, एक्सपायरी का दिन है तो वॉलेटिलिटी तो आएगी ही और बिल्कुल वैसा ही एक्शन आप आते हुए दिख रहे हैं। वॉलेटाइल और साथ ही काफी भारी उतार चढ़ाव जो कि ग्लोबल मार्केट से भी इन्फ्लुएंस हो रहा था। हमारी एक्सपायरी तो है ही, कल हमारे लिए भी एक बड़ा इवेंट है आरबीआई की पॉलिसी, बट उससे पहले जो ग्लोबल एक्शन है वो भी इतना बिगड़ा हुआ है कि बाजार पर उसका आप इम्पैक्ट आते हुए देख रहे हैं। और इसी समय आप देख रहे हैं कि डेज लो पर आपको हमारे बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और डेज लो पर आपको ग्लोबल मार्केट्स भी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो अच्छा गैप अप हुआ पर बाजार सस्टेन नहीं कर पाए। आने वाला डेढ़ घंटा और इस महीने की एक्सपायरी किन लेवल्स पर हो सकती है, इस पर है हमारी नजर। और इस पर और डिटेल्स देने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल सिंह भी हमारे साथ हैं और आने वाले डेढ़ घंटे में आपको बताएंगे भी डेटा क्या कह रहा है, क्या एक्शन और क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है। फिलहाल सर, रेड अक्रॉस द स्क्रीन जो भी अच्छी शुरुआत हुई थी, मॉर्निंग चेयर था वो तो चला गया, डेढ़ घंटे इसी पर बात करनी है। बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या लिख रही है। बड़ी बात यही दीप की मजबूत शुरुआत होने के बाद बाजार ऊपरी स्तरों से फिसलते हुए नजर आए हैं और अच्छे खासे फिसले हैं। फिसले भी इतने कि कल के लोज को भी तोड़ा है हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर, तो यानी कि गिरावट अच्छी खासी है। गिरावट फिर से इंपोर्टेड है, सारे के सारे हमने बाहर से ही मंगवाई, हमारी अपनी नहीं है। डाउ फीचर्स 300 अंक कमजोर हो चुके, तो जाहिर सी बात है कि फिर हमारे लिए टिकना मुश्किल काम है ही। आधा आधा परसेंट के आसपास की कमजोरी आपको तीनों ही जगह नजर आएगी। मंथली एक्सपायरी के दिन उतार चढ़ाव की उम्मीद वैसे भी करते हैं, लेकिन ये उतार चढ़ाव हमारे अपने मंथली एक्सपायरी की वजह से नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया भर के बाजारों की वजह से। मेटल और फार्मा आज फॉर ए चेंज मजबूत है, लेकिन आईटी शेयर वही दो दिनों के चलने के बाद आज फिर से ऊपरी स्तर से परफेक्ट फर्स्ट क्लास बिकवाली आती हुई दिखी है। वो भी तब जबकि रुपया फिर से रिकॉर्ड निचले स्तरों पर पहुंचा है, $82 के नज़दीक पहुंचने की कोशिश बार बार रुपये की हो रही है। ऐसा लगता है 82 पर कोई सप्लाई देने के लिए आरबीआई काइंड ऑफ खड़ा है, अदरवाइज तो वो टूट भी जाता। लेकिन उसके बावजूद आईटी शेयर फिर से कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं, तो ये है अब तक की बड़ी बातें जो बाजार की कमजोरी की तरफ है ज्यादा। और इम्पोर्टेड है, और इम्पोर्टेड वहीं से है जहां पर हम सुबह बात कर रहे थे अनिल जी, यूके। जैसे यूरोप के बाजार खुले हमने देखा इम्पैक्ट आया, जो कल इंटरवेंशन किया बैंक ऑफ इंग्लैंड ने, कहा अगले दो हफ्ते तक करते रहेंगे, कल तो थोड़ा फिर भी संभल गए, आज वापस बाजार उस पर नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है। तो दीपा, सुबह मैं आपको यही बात कर रहा था कि आज दुनिया भर के बाजारों से अच्छे संकेत देकर उछल कूद मत मचाइए और बहुत ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक मत हो जाइए। जब खराब हो रहे थे तो बहुत ऐसा लगता है कि बंद हो जाएंगे, और जब अच्छा होने लगता है तो ऐसा लगता है कि बस बॉटम बन गया। बॉटम बनने का प्रोसेस एक दिन में होता नहीं है कम्प्लीट, और वो वक्त लगता है, ये हफ्ता ही, और कई बार लोगों को लगता है कि हम बोलते हैं ये हफ्ता ऐसे ही रहेगा, तो इसका मतलब लोगों को लगता है अच्छा इनको पता ही नहीं इसलिए बोल रहे होंगे है ना, ये जाने मतलब अंदाज से बोल रहे हैं। अंदाज से नहीं, साफ नजर आता है कि जब ये हफ्ते, नो डाउट कारण कुछ और हो सकता है। आज की गिरावट के पीछे कारण हमने ये नहीं सोचा कि डाउ की वजह से गिरेंगे, कारण हमने ये सोच के रखा कि ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो थोड़ी एफआईएस की बिकवाली की वजह से आ सकती है। थोड़े वो ट्रेडर्स जो तेजी की पोजीशन बनाकर फंसे हुए हैं और उन्हें अगर एक्सपायरी के पहले एक उछाल मिला तो वो बेचने की कोशिश करेंगे, कारण कुछ और हो सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली वॉलेटिलिटी और जो कुछ भी बिकवाली या ऊपर के लेवल पर नहीं टिक पाना, ये जो बाजार की कमजोरी वो आपको साफ दिख रही है। और बार बार कल भी हम ये बात कर रहे थे कि अल्टीमेटली आपको नजर इस वक्त सबसे ज्यादा एक ही चीज पर रखनी है, डाउ फ्यूचर्स है दिन के दौरान, डाउ फ्यूचर्स, उसके अलावा बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स। क्या क्या सीख लिया, क्या क्या सिखा दिया जिंदगी में, कभी सोचा नहीं था कि ये सब चीजें भी रोज रोज मिनट टू मिनट देखनी पड़ेगी। करेक्ट, मुझे याद है जी जब बॉन्ड डॉलर इंडेक्स 80-75 चला करता था, कोई सुनता भी नहीं था इसको, तो हमारा क्या लेन देन काइंड ऑफ, एब्सोल्युटली। जब ये 90-92 के आसपास आया तो हमने पहली बार देखा अच्छा डॉलर इंडेक्स भी कोई चीज होती है, ठीक है, तब से ट्रैक करना शुरू किया। अब तो 114-115 पे ऐसा लगता है कि यही मतलब सब कुछ है, इसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं दुनिया में, बिल्कुल। सो वक्त वक्त की बात है, चीजें सीख रहे हैं आज भी और कल भी, दो दिन और आपको सावधानी रखनी है। 9 दिन आपको 1% नीचे फॉल पर पैसा लगाने की सलाह सिर्फ इसलिए नहीं दी थी ताकि हम सेफ रहे, वो इसलिए दी थी कि कुछ दिन की वॉलेटिलिटी रह सकती है, कुछ दिन और नीचे जा सकता है। तो या तो आप डिसाइड ये कर लें कि इस तारीख के बाद पैसा लगूंगा या इस लेवल के पास लगूंगा, अगर ये दोनों ही हमें अंदाज लगाने में हम असमर्थ हैं कि किस तारीख को बॉटम होगा या किस लेवल पर होगा, तो फिर उसका तीसरा तरीका यही है कि टुकड़ों टुकड़ों में हमें जो समझ में आए कि एक परसेंट घटेगा तो थोड़ा थोड़ा पैसा और लगाएंगे, वो प्रोसेस के साथ चलें, वो ज़्यादा बेहतर है, वही होता दिखा है। तो आज भी और कल भी दो दिन हमें सावधान रहना है, फिर मंडे से देखेंगे कि मार्केट में स्टेबिलिटी लौटती है या नहीं, या फिर और कमजोरी आगे बढ़ती या फिर रिकवरी आती है। सो आज और कल शांति और बनाए रखें, एक्सपोजर कम से कम रखें, मार्केट में पोजीशन कम से कम रखें किसी भी तरफ, दोनों तरफ। कल भी स्टॉप लॉस दोनों तरफ ट्रिगर हुए, आज भी दोनों तरफ ट्रिगर हो रहे हैं, तो मतलब नहीं, आज सो खैर सुबह मंदी वालों के ट्रिगर हुए हैं,
शाम को तेजी वालों के ट्रिगर हो रहे हैं अब ऐसा है। मैं वही पढ़ रहा हूँ सर, ये पूरा का पूरा इंग्लैंड ही कर रहा है जो भी डर है। अब बेसिकली डर यही फैल रहा है कि वहाँ की अगर क्राइसिस और ख़राब होती है क्योंकि मार्केट से थम्स अप नहीं दे रहे, तो फिर क्या कंटेजन की जो हम बात कर रहे हैं कि बाकी देशों में ये फैल सकता है। तो अभी की बात है, हम तो लगातार काफ़ी टाइम से एक बात कही रहे कि अगला फॉल अमेरिका से नहीं आएगा, यूरोप से आएगा अगर आना है तो, और ये सर्दियाँ यूरोप के लिए बहुत भारी पड़ेगी। कल नेचुरल गैस के दाम 25% फिर से बढ़ गई है। यस सर, राइट। सो यूरोप से ये अब यूरोप की ताकत ही खत्म हो गई। मैं बोल रहा हूँ आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सेंक्शन आपने रशिया पे लगाया या रशिया ने आप पे लगाया, उल्टा हो गया यहाँ पर पूरा। एब्सोल्युटली, मतलब रशिया ने इनकी बैंड बजा दी, ये सब मिलके उसकी बजाने वाले थे। सो ये सर्दियाँ अगर 2-3 महीने में मतलब मामला ठीक नहीं हुआ ना, तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा यूरोप के लिए। और 2-4 देश उड़ा गए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, मतलब वो कभी कभी होता है ना गृह युद्ध वाली जो स्थिति कैसी आ जाती है कई देशों में, जहाँ खाने पीने की कमी है। आपने अभी थोड़े दिनों पहले देखा होगा ना श्रीलंका की तस्वीरें, हाँ, कि लाइट नहीं है, हाँ, पेट्रोल नहीं है। करेक्ट सर, करेक्ट। लंबी लंबी लाइनें, लंबी लंबी 2-3 किलोमीटर पेट्रोल के लिए लाइन लगी है, डीजल के लिए लाइन। कोई बड़ी बात नहीं यूरोप में ऐसा हो जाए, बिल्कुल हो सकता है ना। और वो तो सब रईस ही है ना, पैदाइशी, मतलब सब आदत ही नहीं है, आदत ही नहीं है ना ऐसी ये सब चीज़ों की। तो करेक्ट, हाँ, मतलब जैसे कोई मतलब अगर पिछले 5-7 सालों में कोई बच्चा मुंबई में पैदा हुआ हो और वो अगर कहीं किसी दिन छोटी जगह गाँव वाँव में चले जाए, वो देखे लाइट बंद है, तो वो सब ये भी कुछ होता ये है, फिर लाइट भी कभी जाती है। बिल्कुल, तो मतलब वो उस तरह के हाल यूरोप वालों के हैं कि उन्होंने कभी इस तरह की अभाव वाली जिंदगी देखी नहीं है। देखी है, करेक्ट। कभी सूखा पड़ जाए, झीलें सूख जाएं, गर्मी हो, पंखा क्या होता है, मतलब वैसा वाला हाल है। तो इसलिए हर हर चीज़ों का वक्त अलग अलग तरीके से होता है। तो आई थिंक यूरोप समस्या है, रहेगी, रुक जाए संभल जाए तो ठीक है। अब खाली इसमें एक ही चीज़ है जी सर, जो चीज़ बचाएगी दीप जी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बचाएगा वो अमेरिका का इन्फ्लेशन है। अगला इन्फ्लेशन अमेरिका का अगर कंट्रोल में आ गया, जो कि मेरे हिसाब से आना चाहिए, बिल्कुल आना, ठीक है, तो अमेरिका के अगर तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमें कोई लेन देन नहीं, समझा। और तब अमेरिका के बाजार संभलेंगे या नहीं गिरेंगे, और उसका इम्पैक्ट हमें से फिर हम समझ वहाँ से ठीक मिलेगा, समझ। तो लेकिन तब तक आपको है ना ये ऊपर नीचे वाली चीज़ से झेलना है, आपको कोई इलाज नहीं, ये सब चीज़ें हैं, हैंडल करनी पड़ेगी। मार्केट में आए हैं तो ये तो देखना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है सर। काश बचा पाते, काश बचा पाते, बिल्कुल। तो चलिए, ये इंपोर्टेड है बट आज अमेरिका से नहीं, ज्यादातर गिरावट ये आप यूके से इंपोर्ट कर रहे हैं। ऊंचाई से 200 पॉइंट फिसल चुका है हमारा निफ्टी भी। आइए खबरें ट्रिगर्स दोनों पर डालते हैं नजर। कुशल अरमान है तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स में आज मार्केट क्लोजिंग के बाद में एनएससी के काफी सारे इंडाइसेस में जो बदलाव होने वाले हैं वो लागू होते हुए दिखेंगे। साथ ही 3 बजे सीसीआई की जी सोनी मर्जर को लेकर अहम बैठक होने वाली है। इनफैक्ट स्पार्क पर भी नजर रखिए, इसका कॉन कॉल भी आज होगा जिसमें ये अपने क्लिनिकल प्रोग्राम्स एंड R&D पाइपलाइन पर अपडेट देते हुए नजर आएंगे, और इस वजह से आज शायद स्टॉक जो है 9-10% चल रहा है। लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी, यहां पर प्रमोटर की तरफ से जो ओपन ऑफर है वो बंद होता हुआ दिखेगा। साथ ही गोवा कार्बन राइट्स इश्यू के जरिए पूंजी जुटाने पर कंपनी की बोर्ड बैठक है। LIC हाउसिंग फाइनेंस की AGM भी आज होने वाली है। साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से Q2 GDP आंकड़े आएंगे। US के और FOMC मेंबर बुलार्ड जो है पब्लिक इवेंट में हिस्सा लेते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट 30 सितंबर कल के दिन में ब्याज दरों पर RBI का फैसला आएगा 10 बजे। साथ ही 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। कैबिनेट सेक्रेटरी ने PLI रिव्यू के लिए बैठक भी बुलाई है कल के दिन में, और साथ ही सेबी की अहम बोर्ड बैठक है जिसमें कुछ काफी सारे अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। हेरिटेज फूड्स, यहां पर राइट्स इश्यू के जरिए कंपनी की बोर्ड बैठक है। मदरसन सुमी वायरिंग, यहां पर भी बोनस शेयर जारी करने पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। इंसेक्टिसाइड ने जो बोनस दिया था वो एक्स डेट होगा। साथ ही यूके के Q2 GDP आंकड़े, साथ साथ फेड वाइस चेयरमैन ब्रेनार्ड स्पीच देते हुए नजर आएंगे। सितंबर महीने का यूरोप का CPI आंकड़ा आएगा। जापान में अगस्त महीने का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब रशियन पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए दिखेंगे। और अंत में 1 अक्टूबर जहां पर PIMS यानी कि पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम ये इन इफेक्ट होता हुआ दिखेगा, और ओपेक प्लस यहां पर 1 अक्टूबर से 1,00,000 बैरल प्रति दिन उत्पादन कटौती लागू हो जाएगी। तो पुतिन साहब का कल है भाषण, कल है, क्या बोलेंगे वो तो आप पता नहीं लगा पाए तो... कल राज में भी तो कल कितना बजे हो जाएगा अंदाज से हमारे मार्केट आवर्स में या बाद में? सर टाइमिंग तो देखनी पड़ेगी।
मैं जब है ना साल 2000 में लगभग तुम्हारे लेवल पे रहा करता था जॉब में कौशल, तो है ना मेरे बॉस जो हुआ करते थे उनके साथ मैं जाता था ना उनकी केबिन में, तो सारी तैयारी के साथ जाता था। मैंने बताया था सारे प्रिंट विंट ये सारे सवाल की बॉस ये पूछेंगे तो मैं ये जवाब दूंगा, ये पूछेंगे ये सारी चीजें, मैं परफेक्ट तैयारी के साथ अंदर जाता था। और जब बाहर निकलता था तो चार सवाल ऐसे पूछे थे मेरे लिए आउट ऑफ सिलेबस हो जाते थे। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, तो इसलिए आप प्लीज डोंट फील ऑकवर्ड, मेरे साथ जो मैं कर रहा हूँ मेरे साथ हो चुका है। सही बात है। कितना ज्ञान की तो कोई सीमा ही नहीं है ना, राइट। आप कितना भी पढ़ के जाओ कुछ ना कुछ चीजें तो ऐसी होगी जो आपको नहीं पता, नहीं पता होंगी, है ना। बॉस बॉस को नहीं होना है। हाँ, बॉस होने के लिए कौन सा काम करना जरूरी है, अच्छे सवाल ही तो पूछना है, मुश्किल मुश्किल वाले इससे ज्यादा क्या करना है। चलिए बढ़िया, आइए तो खबरें भी जान लेते हैं। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं जी। खबरों में यूनाइटेड ब्रिवरीज पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि उन्होंने भारत में जो हैनिकन सिल्वर जो इनकी बियर है वो लॉन्च करते हुए दिखे हैं, और ये जो बियर है वो प्रीमियम कैटेगरी में जो है ये प्रीमियम लॉन्च होती हुई दिखी है। लुपिन पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूएस एफडीए से इनके जो तारापुर प्लांट के लिए जो एक वार्निंग लेटर मिला है, हालांकि ये जो वार्निंग लेटर मिला है उस पर कंपनी ने बताया है कि उनकी जो भी चिंता है उसे वो जल्द दूर करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टाइम फ्रेम जब उन्होंने ये विजिट करा है उसमें 22 मार्च से लेकर 4 अप्रैल के दौरान जो है प्लांट की जाँच हुई थी। यूनो मिंडा अगर इन पर देखेंगे तो इन्होंने जापान की एक कंपनी के साथ जेवी का गठन किया है, और ये जो कंपनी है फोर व्हीलर पीवी के लिए जो सीट रिक्लाइनर जो है वो बनाएगी, और इस जेवी में इनके 51% हिस्सेदारी होगी, जिसके लिए 10 करोड़ का निवेश करेंगे। मैपमाई इंडिया सी इन्फो सिस्टम पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि उन्होंने दिल्ली सरकार के साथ एक एमओयू किया है, और एमओयू इंटरेस्टिंग है क्योंकि चार्जिंग स्टेशन के कनेक्टेड नेटवर्क के लिए करार किया है। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि आसानी से ईवी चार्जिंग स्टेशन का पता लग जाए, उसके लिए उन्होंने उनके लिए करार कराया है। और अंत में दो ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें एनएमडीसी 10 लाख शेयर और जोमेटो 13 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए हैं। ओके, तो ये हैं आपके लिए सारी की सारी खबरें और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स बाजार के लिए। आइए, हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी हैं तैयार, और देखते हैं कुछ आज पिक्स। अरे बिगुल के लिए लाइन लगी है लंबी वाली, पहले वागले साहब हमेशा की तरह। जी वागले साहब फरमाएं। अनिल जी गुड आफ्टरनून, पंचू गुड आफ्टरनून, और थैंक यू मेरे पास आने के लिए, सीनियरिटी का लिहाज रखने के लिए। चलो आपने सीनियर मान लिया अपने आप को, हमारा इतने दिनों का प्रयास सफल हुआ सर। जी अनिल जी, आप बॉस के बारे में अपनी टीम के साथ कुछ डिस्कस कर रहे थे। जी जी, तो उसके बारे में पहले कुछ कहना चाहता हूँ, कॉल दे रहा हूँ अनिल जी। बात यह है कि बॉस हमेशा सही नहीं होता, बॉस कभी सही नहीं होता, बॉस ही होता है। बॉस को ऐसा लगता है वो सही होता है, कभी सही नहीं है वो, बॉस को ऐसा लगता है ऐसा। पूरी बात सुनिए। अच्छा जी, पूरी बात सुनिए, बॉस हमेशा सही नहीं होता, लेकिन बॉस हमेशा बॉस ही होता है, बॉस ही रहता है। ये बात सही है, बात तो सही है। चलिए मैं कॉल देता हूँ, बजाज फाइनेंस मुझे बेचना है 7200 का इम्पोर्टेंट ओके। थोड़ी आवाज हम बराबर सुन नहीं पाए, लेकिन मैं वागले साहब से लेवल्स मंगवा लेता हूँ। बजाज फाइनेंस वागले साहब का ऑल टाइम फेवरेट, ये है आपके लिए बेचने की राय। और जो वागले साहब बता रहे हैं हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, जनहित में मैं बता दूं कि दो नियम होते हैं जिंदगी में। पहला नियम है कि बॉस इज ऑलवेज राइट, और नियम नंबर टू, इफ बॉस इज रॉन्ग प्लीज लुक एट रूल नंबर वन। करेक्ट, ठीक है। तो अपने आप को क्लियर हो जाएगा, बराबर है, बराबर है 100%। बॉस गलत हो तो रूल नंबर वन देख लिए, और सही है तो फिर सही है तो सही है, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो ये है बजाज फाइनेंस पर बिकवाली की राय वागले साहब की तरफ से आपके लिए। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं, 7220 ये आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल बनेगा, 6950 तक फिसलता हुआ दिख सकता है आपको बजाज फाइनेंस। आइए, हिमांशु जी भी तैयार हैं बिगुल के साथ। जी सर फरमाए हिमांशु जी। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू यू दीप, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और अनिल जी, स्टॉक उसी सेक्टर से है जिस सेक्टर से वागले जी ने स्टॉक दिया है,
कोइंसिडेंटली शॉर्ट साइड पर ही स्टॉक है, एनबीएफसी है एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग। यहां पर मुझे लगता है कि स्टॉक ने ना केवल पिछले 4 दिनों का एक ट्रेड सपोर्ट निकाला है, बल्कि अगस्त और सितंबर सीरीज के भी लोज के नीचे स्टॉक निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहां पर ऑप्शन के जरिए ट्रेड लेंगे अनिल जी, अक्टूबर एक्सपायरी का 72 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदेंगे जो कि लगभग 3.45 रुपए 3.40 रुपए पर ट्रेड करता है। यहाँ पर एक लिमिटेड रिस्क है, 2.75 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, मंथ की शुरुआत है तो थीटा डीके का बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है। और डाउनसाइड में जो मुझे इसका टारगेट लगता है वो 5.5 रुपए तक का टारगेट लगता है। मेरा ऐसा मानना है कि एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग जिस तरह की आज यहाँ पर सपोर्ट तोड़ता हुआ नजर आ रहा है, कल के सेशन तक 70 रुपए के नीचे स्टॉक में मुझे लगता है कि गिरावट देखने को मिल सकती है। और ऐसा होने पर 5.5 रुपए तक के टारगेट एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग की 72 रुपए की अक्टूबर एक्सपायरी की पुट में आता हुआ नजर आ सकता है। तो ये है आपके लिए एलएनटी फाइनेंस में बिकवाली करने की राय, 72 रुपए के पुट के हिसाब से हिमांशु जी आपको कह रहे हैं कि खरीद कर चलें 3.45 रुपए और टारगेट होगा 5.50 रुपए के। 2:15 वक्त है आपके लिए एफआईआई पिक का। नवरात्रि पिक है अंबुजा सीमेंट। हमने देखा है कि 4 महीनों के एक कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे मैसिव वॉल्यूम्स होने के कारण यहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। ये स्टॉक मजबूती से खड़ा है और इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 660 तक के एक टारगेट बन रहे हैं, स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 420 का। तो शिवांगी सारडा मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज से, इनकी राय है अंबुजा सीमेंट में खरीदारी करने की, 420 का स्टॉप लॉस लगाकर 660 के टारगेट के लिए निवेश के लिहाज से आपको करनी है खरीदारी। आइए बढ़ते आगे, और आज बाजार बंद होने के बाद निफ्टी समेत एनएससी के दूसरे इंडेक्स में कई बदलाव होने वाले हैं। कौन से इंडेक्स बदलेंगे, कौन से शेयर होंगे अंदर, कौन निकलेंगे बाहर, किन पर होगा असर, बताएंगे हमें कुशल। कुशल निफ्टी में तो है, इसके अलावा निफ्टी में तो है सर, निफ्टी में है और पर्टिकुलरली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है निफ्टी नेक्स्ट 50, उसमें क्या क्या बदलाव है वो भी मैं आपको बता देता हूं, और उसमें इनफ्लोज और आउटफ्लोज किस वैल्यूज के होने वाले हैं ये भी आप ध्यान रखिए। इसमें सबसे पहले तो निफ्टी 50 में ऑब्वियसली अदानी एंटरप्राइजेस इंक्लूड हो रहा है, तो करीबन 1512 करोड़ रुपए का हम इन्फ्लो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। साथ ही निफ्टी नेक्स्ट 50 इसमें इंक्लूजन की आप बात करिए तो इसमें 6 स्टॉक्स हैं पर्टिकुलरली जहां पे सबसे ज्यादा इन्फ्लोज एक्सपेक्टेड है। सबसे पहला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, करीब 360 करोड़ रुपए का इन्फ्लोज एक्सपेक्टेड है। साथ ही अदानी टोटल गैस 336 करोड़, एचएल 232 करोड़, आईआरसीटीसी 216 करोड़ के इन्फ्लोज भी इसमें आने वाले हैं। इनफैक्ट अन्य एनएससी इंडेक्सेस जिसमें निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स हो गया या फिर निफ्टी आईटी इंडेक्स हो गया, उसमें स्पेसिफिकली जो इंक्लूड हो रहे हैं एक तो पावर ग्रिड है, एचडीएफसी बैंक है और परसिस्टेंट सिस्टम्स है, जहां पर 128 करोड़ से लेकर 224 करोड़ रुपए तक के इन्फ्लोज आ सकते हैं। एक्सक्लूजन्स में श्री सीमेंट निफ्टी 50 से बाहर निकल रहा है, 448 करोड़ रुपए का आउटफ्लोज यहां पर एक्सपेक्टेड है। साथ ही निफ्टी नेक्स्ट 50 से भी माइंडट्री, जुबिलेंट फूड, लुपिन और पीएनबी, ये 4 स्टॉक्स बाहर हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा माइंडट्री में करीबन 440 करोड़ की आउटफ्लो आपको आती हुई दिख सकती है। और अन्य एनएससी इंडेक्सेस की जहां पर एक्सक्लूजन हो रहे हैं उसकी बात करें तो उसमें रिलायंस, एसबीआई, एक्सिस बैंक, टीसीएस और इंफोसिस जैसे स्टॉक शामिल हैं, जहां पर करीबन 136 करोड़ से 216 करोड़ यानी कि इनके मार्केट कैप के लिहाज से ये उतने बड़े आउटफ्लोस नहीं है। ओके, तो ज्यादा आउटफ्लो नहीं होने वाले हैं, ये आपके लिए क्लियर है। बट हाँ, निफ्टी के चेंजेस हो रहे हैं, निफ्टी के बाहर भी एनएससी 500, निफ्टी नेक्स्ट 50 जैसे काउंटर्स में भी आपको बदलाव होते हुए देखेंगे। ऑटो कंपनीज के लिए एक राहत की खबर आ रही है, 6 एयरबैग्स जो अनिवार्य कर रहे हैं उसकी समय सीमा बढ़ गई है, अब अगले साल 1 अक्टूबर से लागू होगा, यानी कि 1 साल का टाइम मिलेगा सारी ऑटो कंपनीज को ये नए सिस्टम लागू करने के लिए। तो ये एक राहत की खबर आती हुई दिख रही है, स्पेशली मारुति ले लीजिए, टाटा मोटर्स ले लीजिए, M&M ले लीजिए, वो सारी कंपनीज जो पैसेंजर जिन्होंने लगा लिए उनके क्या, हाँ जिन्होंने लगा लिए उनका क्या होगा, सेफ्टी तो है, सेफ्टी है, सेफ्टी आ गई, बट नई गाड़ियों के लिए बेसिकली ये टाइम। तो आमतौर पर इस तरह की खबरों पर राणे मद्रास बड़ा तेजी से भाग करता था, तो आज उनके थोड़ी सी नेगेटिव खबर है कि एयरबैग बढ़ाने की जो समय सीमा बढ़ गई है वो अब धीरे 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 आराम से लगाओ, कोई हड़बड़ी कोई जल्दबाजी नहीं करना है। तो खुद मंत्री जी ने ये जानकारी दी है ट्वीट करके कि भाई जो अच्छे अच्छे एयरबैग चाहिए थे वो अभी थोड़ा सा आप और समय ले सकते हैं। जैन साहब,
अपनी राय दें। वैसे तो इन खबरों के दम पर राणे मद्रास ये स्टॉक काफी तेजी से बढ़ा, बॉश का भी बॉश भी है, हालांकि इनके वो जो ओवरऑल वॉल्यूम में बहुत छोटा सा हिस्सा है, ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी अरे भाई अच्छी खबर नहीं, हेलो क्या कर रहे हो हे भगवान, चैनल का असर देखो, नाम लेना चाहिए स्टॉक का, राणे मद्रास के लिए अच्छी खबर नहीं है, जैन साहब आप समझो, मेरे से नहीं समझ रहे ये सही था, मैं भी देख के थोड़ा शॉक था, मतलब मार्केट भी खराब है, न्यूज भी खराब है, नाम लिया नहीं कि बस धनाधन धनाधन, मतलब सोचो कुछ लोग अपने चैनल को देख रहे और उनकी स्पीड इतनी तगड़ी है कि वो नाम आता नहीं उसके पहले उनकी अंगुलियां दब जाती है, तो वैसा ही मुझे कुछ लग रहा है अनिल जी। बट यस पोस्टपोनमेंट तो देखिये होना ही था, देखिये 6 एयरबैग्स लगाना और कॉस्ट और ये सारी चीजें देखते हुए, बट होगा धीरे धीरे। और जनरली देखिये गवर्नमेंट भी काफी बार ये चीज स्ट्रैटेजिकली प्ले करती है कि कोई भी चीज को इंप्लीमेंट करना होता है तो एक बार आप फोर्सफुली कर दो तो एटलीस्ट कुछ 50-60% लोग जो कंप्लाइंट लोग होते हैं और प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो कंप्लाई कर जाते हैं, जो नहीं करते हैं थोड़े रिएक्टिव होते हैं, थोड़े ढीले ढाले चलते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। बट यस आगे पीछे होना ही है। तो बाकी आपने जैसा कहा कि राणे मद्रास के लिए तो देखिए न्यूज तो बेनिफिशियल थी, उसका डिस्काउंटिंग हो चुका है, बाकी बॉश के लिए छोटा कंपोनेंट है। बट यस ऑटो इंसुलेटर्स वैसे बहुत बढ़िया लगते हैं, तो थोड़ा मेरे हिसाब से मार्केट सब जिस माहौल में है उसके हिसाब से स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। मार्केट्स ऐसा भी है कि यहां से बहुत ज्यादा करेक्शन मुझे अब एक बार का नहीं लगता, ओवरडन हो चुका है, तो एक बाउंस एक्सपेक्टेड है इन नेक्स्ट 4-5 डेज। तो जैन साहब ने एक बहुत ही बेहतरीन रिसर्च रखी है आपके सामने, जो या तो अपने अनुभव से या सर्वे से, और ध्यान से सुनिएगा भाइयों, जैन साहब ने कहा कि जब भी कोई चीज कंपलसरी कर दी जाती है तो 50-60% लोग तो ऐसे होते हैं जो वो डेडलाइन के पहले कर देते हैं, भाई कंपलसरी होगी, बाकी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जानते हैं कि ये तो डेडलाइन पहली बार ही आई तो आगे तो बढ़ेगी बढ़ेगी, तो आप में से कौन से लोग ऐसे हैं जो ये मानकर चलते हैं कि पहली बार वाली डेडलाइन तो आगे बढ़ेगी, इसमें पहली बार में कंपेयर करना कोई ऐसी खास जरूरत वाली बात नहीं है, जो जैन साहब की रिसर्च है। जैन साहब इसमें आप खुद अपने बारे में बता सकते हैं, क्या आप भी पहली के बाद दूसरी वाली डेडलाइन के लिए इंतजार करते हैं? कौन कौन करता है इंतजार, ये तो बढ़ेगी? एक खुद जैन साहब नहीं किया तो आपकी रिसर्च ही फेल हो जाती है, आपने अपने ऊपर ही रिसर्च की सबसे पहले। जी जी, और अब कोई नहीं बोलेगा, नहीं करते सर। जी जी कुणाल जी। अनिल जी मैं करता हूं। अनिल जी देखिए जब जब मैं ये सोचता हूँ कि डेडलाइन बढ़ेगी तो उस बार नहीं बढ़ती है। अनिल जी जब मैं सोचता हूँ कि डेडलाइन इस बार पक्का इस बार बिल्कुल नहीं बढ़ेगी उस बार बढ़ा देते हैं, तो अनिल जी हमेशा ये उल्टा बैठता है। अनिल जी गजब है यार, मतलब आप तो विशेष इनकम टैक्स के संदर्भ में बोल रहा हूँ अनिल जी, मतलब किसी भी संदर्भ में बोलो आप, तो ये संदर्भ में बोलो, मैं आपको मार्केट के संदर्भ में बताता हूँ। हर बार ऐसे ही होता है लोगों के साथ में, जब भी खरीदते शेयर का दाम घट जाता है, जब भी बेचते बढ़ जाता है। क्या गजब की परफेक्ट टाइमिंग है। तो एग्जैक्टली वैसी टाइमिंग हमारे कुणाल जी की भी है डेडलाइन के मामले में। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी मैं तो फॉलो करता हूँ अनिल जी, पहली डेडलाइन पे काम कर लेता हूँ अनिल जी, क्योंकि अपने आप फोकस क्लियर होना चाहिए। हाँ, बराबर है। बार बार अनिल जी अपना काम करेंगे कि डेडलाइन की एक्सटेंशन देखेंगे। हाँ, तो आनी अनिल जी पहली दूसरी तीसरी पे तो आएगी, तो पहली डेडलाइन पे अनिल जी काम करने में बिलीव करता हूँ अनिल जी। नहीं ठीक बात है, बाद में डांट भी बहुत पड़ती है, पहली वाली भी कर लेना ठीक है बंसल जी। और आपको तो वैसे भी घर के बाहर तो कोई काम ऐसा ज्यादा रहता भी नहीं है, डेडलाइन तो आपको वही फॉलो करनी होती, तो पहली बार में कर लो तो ठीक ही रहता है। जी हिमांशु जी भी अपना कुछ अनुभव बता रहे हैं। जी हिमांशु जी। अनिल जी मैं तो यही कह रहा था कि पहली डेडलाइन पर अनिल जी उसके बाद एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाती है कि नहीं हुई एक्सटेंड तो फिर बाद में कौन परेशान होगा, तो पहले ही कर लो। ओके चलिए बढ़िया ठीक है। तो ये है आपके लिए 6 एयरबैग कंपलसरी होने वाला कार्यक्रम, थोड़े समय के लिए टलता हुआ लेकिन होगा जरूर, और हो ना हो आपको अपनी सेफ्टी के लिए करना चाहिए जरूर, ये बड़ी बात है, बाकी सब जिंदगी ठीक है। लोगों को खबर समझ में आ गई है, अब आप राणे मद्रास का शेयर फिर से देख सकते हैं जो अपने सही लेवल की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ, क्योंकि समझाना जरूरी कि खबर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। ठीक है, तो बुर्ज खलीफा बना था, ढह गया। अब ढह गया।
बिल्कुल, तो ये है आपके लिए खबर, नजर रखिएगा राणे मद्रास और थोड़ा बॉश का भी इस पर इंपैक्ट आता है। थोड़ा संभल रहे हैं बाजार, निचले स्तर से हल्की रिकवरी आपको इस समय इंडेक्स लेवल पर आती हुई दिख रही है। आज इंडेक्स पर आपको कमजोरी दिख रही है, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन उतना खराब नहीं है। इनफैक्ट पीवीआर जैसे काउंटर में तो आपको बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दिख रही है, 5.5% ऊपर पीवीआर ट्रेड कर रहा है। वीकेंड के लिए नई मूवी भी रिलीज के लिए तैयार है और डेज हाई पर, जब बाजार डेज लो पर है तो आप डेज हाई पर पीवीआर देख रहे हैं। श्रीकांत जी भी हमारे साथ है, श्रीकांत जी गुड आफ्टरनून सर। पीवीआर देखें, वापस एक्शन में आ रहे हैं ये काउंटर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। आई थिंक यस, काफी अच्छा इसने इनफैक्ट रिकवरी वाला पैटर्न बनाया है। अगर पिछले 6 या 8 महीने का अगर चार्ट देखते हो तो कई बार इसने 1680-1700 के करीब सपोर्ट लिया है और उसके बाद जो रिबाउंड किया है वो रिबाउंड इसने कंटिन्यू किया है अप टू 1950-1965 तक। और जैसे अभी विक्रम वेदा की जो न्यूज़ आई है या तो जो भी टिकट बुकिंग ऑफ टिकट्स आया है, ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद इस स्टॉक में और भी परफॉर्मेंस हमें देखने मिलेगा। और अगर इसकी अगर एक लॉन्ग टर्म स्टोरी को अगर देखा जाए तो मुझे लगता है काफ़ी कंस्ट्रक्टिव स्टोरी है और ये जो कंपनी है या तो ये जो भी बिजनेस है वो हमें लगता है कि और भी यहाँ से परफॉर्म करते रहेगा। येस, नो डाउट्स इन बिटवीन मूवी के हिट्स होना नहीं होना उसके ऊपर काफ़ी शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स रहेंगे, लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि इस प्राइस से ये काफ़ी अट्रैक्टिव है अगर एक लॉन्ग टर्म का व्यू है। फंडामेंटली हमें लगता है 2200-2250 का भाव आ सकता है, लेकिन टेक्निकली लगता है कम से कम 1950 का लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है। तो अगर कोई लॉन्ग की पोजीशन है तो उसमें बने रहे या तो कुछ फ्रेश पोजीशन भी बनाई जा सकती है। और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे तकरीबन 1730 रुपये का। ओके, 1730 के स्टॉप लॉस के साथ जब जब फिल्म रिलीज होने की बात आए स्टॉक बढ़ जाता है। विक्रम वेदा, एक तो ऋतिक रोशन है और दूसरा कौन, सैफ अली खान। हाँ जी बंसल जी, हिट होगी कि फ्लॉप? नहीं अनिल जी, अभी तो ऐसा हर मूवी का रिव्यू पहले थोड़ा ना अनिल जी बिना देखे बताया जा सकता है। देखते तो कोई भी बता देगा फिर उसमें आपकी क्या बड़ी बात है, मतलब कि कंटेंट अच्छा है बट उसकी कोई बात नहीं कर रहा अनिल जी, वो है धोखा। अच्छा, वो ओटीटी पे वो अच्छी चल रही है मूवी, तो ये तो अनिल जी मीडिया की, प्रिंट मीडिया की पब्लिसिटी का काम होता है, तो ये मूवी के बाद ही पता चलेगा अनिल जी। वो तो ब्रह्मास्त्र तो अनिल जी क्या था कि लटक लटक के अनिल जी बन रही थी, काफी सालों से बन रही थी तो उसके बारे में मालूम था, अब इसके बारे में तो मूवी के बाद ही पता चलेगा अनिल जी देखने के बाद। नहीं, मैंने ब्रह्मास्त्र का तो पूछा ही नहीं था बंसल जी इस बार आपको उसमें तो मेरा सवाल था ही नहीं। अच्छा, ब्रह्मास्त्र तो कोई भी सवाल पूछो मूवी का वो तो आई जाएगा। अच्छा, धोखा क्या वो ओटीटी पे है या मूवी रिलीज हुई है अनिल जी? वो तो मार्केट में रिलीज हुई है, रिलीज हुई है। एक मिनट बंसल जी, एक मिनट चुप हो जाइए बंसल जी। इतना बढ़िया डायलॉग मारा है हिमांशु जी ने, सब लोग सुन नहीं पाए। जी हिमांशु जी, ओटीटी पर रिलीज हुई है मूवीज पर थिएटर में? अनिल जी वो तो शेयर मार्केट में रिलीज हुई है, धोखा तो। <Yes, I... laughs> बहुत ही बढ़िया। अच्छा, शेयर मार्केट का एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा हमारे कुणाल जी बता रहे हैं। जी कुणाल जी फरमाए। अनिल जी देखिए, मैं अभी देख रहा था कि ये जो आज की कैंडल है ये 7वीं रेड कैंडल है अनिल जी, बैक टू बैक, यानी कि 7 रेड कैंडल्स निफ्टी के डेली चार्ट पर बनी है। तो अनिल जी मैं पीछे टटोल रहा था, मुझे कोई इसका खास अवसर दिखा नहीं अनिल जी 2018 तक, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कभी ऐसा पहले हुआ है। तो निफ्टी में 7वीं रेड कैंडल बनी अनिल जी, तो मेरी राय में अनिल जी डीपली ओवरसोल्ड है बाजार, और 7 रेड कैंडल का बनने का अर्थ ये होगा अनिल जी कि कुछ ग्रीन कैंडल्स तो शर्तियां बनेंगी, तो एक पुलबैक जरूर यहां से इन स्तरों के आसपास से बन सकता है। और मैं चाहूंगा अनिल जी टीम वालों को कहें अनिल जी पीछे पूरी इतिहास टटोल कर बताएं कि आखिरी बार ऐसा कब हुआ था। बोले कि लगातार 6 दिन, मतलब 6 दिन नेगेटिव बंद हुआ कि 6 दिन कैंडल बनी है? क्या बोल रहे हैं? 7 दिन, सॉरी तो अभी पता चल जाएगा अनिल जी। 7th रेड कैंडल आज बन रही है, इसका मतलब 7 दिनों से लगातार ऐसा हो रहा है कि ऊपर खुलकर नीचे बंदी आ रही है। अच्छा, रेड कैंडल तब बनती है जब ऊपर खुलकर नीचे बंद होता है, तो आज 7वां अवसर है अनिल जी इसका। और आमतौर पर ऐसा होता नहीं, और जब ऐसा होता तो डीपली ओवरसोल्ड, बिल्कुल ठीक बात है। कल गवर्नर साहब आएंगे तेजी कराएंगे, अब तो यही उम्मीद बची है, बाकी तो कल 10 बजे जब पॉलिसी आएगी उसके बाद तेजी करेंगे।
जैन साहब भी काफी समय से संकेत सारे दे रहे हैं, जैन साहब भी मार्केट के बॉटम आउट होने के, आज भी बासफ, जैन साहब का बासफ ही था ना, बासफ बिल्कुल। आमतौर पर चार डिजिट का स्टॉक मिल जाए आपको जेम्स में, और वो भी अंतरराष्ट्रीय कंपनी, और वो भी ये कि जो कुणाल जी के पोर्टफोलियो में से निकाला हुआ, ऐसा होता नहीं। जैन साहब सारे सिग्नल मिल रहे हैं आपको बॉटम होने के मार्केट में, ऐसा लग रहा है जी, एक आध दिन में होना चाहिए या तो मतलब मैक्सिमम दो चार दिन और ज्यादा मान लो, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो कुणाल जी ने कहा, यही एक स्टडी मैं भी करके आ रहा हूँ, इतना कंटिन्यूस बेसिस पे मतलब फॉल होते होते, और फिर आप अगर RSI वगैरह भी देखिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में टेक्निकल्स भी देखना जरूरी है। और आपने एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट बोला कि कल मंत्री जी आएंगे, तेजी लाएंगे, वैसा कुछ होगा अनिल जी, क्योंकि बहुत ज्यादा अब कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ गई है, और हर जगह आप ग्लोबल क्यूज में भी देखें तो कुछ ना कुछ टॉपिंग आउट होती हुई चीजें दिख रही है। सो आई थिंक एक शॉर्ट कवरिंग की रैली तो बनती है, ऐसा मेरा मानना है, और मैं भी वैसे ही टाइप के स्टॉक्स, क्योंकि आज भी डिफेंसिव स्टॉक देने का रीजन अनिल जी, कई बार माहौल ऐसा रहता है कि आप बहुत छोटे स्टॉक्स देते हैं, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स पर्टिकुलरली वो नेगेटिव है, बट यस बैंक निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग, निफ्टी कहीं ना कहीं अपने जो 200 डेमाज है उसके आसपास किसिंग डिस्टेंस पे है, तो आई फील कि एक छोटी मोटी यहां से रैली बननी चाहिए ऐसा मैं। तो अच्छा जैन साहब ज्यादा बोलो मत कि गवर्नर साहब आएंगे तेजी लाएंगे, आशीष जी ने सुन लिया ना, आशीष जी ने तो माता रानी को भी नहीं छोड़ा, बोले माता रानी आएगी तेजी लाएगी, उसमें भी भरोसा मत कीजिए, आप तो गवर्नर साहब की बात कर रहे हैं, कल ही बोला था इसलिए भगवान करे आशीष जी की मीटिंग चल रही हो अभी इस वक्त, और नहीं सुना हो तो ठीक है, नहीं तो मेरे साथ साथ जैन साहब की क्लास लग जाएगी, और तो बाकी छोड़िए जी। कुणाल जी, अनिल जी, जी अनिल जी, आशु जी की दुर्भाग्यपूर्ण अनिल जी बात यह है कि उनकी मीटिंग नहीं चल रही है। वो अनिल जी संदेश भेज रहे हैं कि ओवरसोल्ड वाली जो आपने टिप्पणी की है, या तो इसको वापस लीजिए या फिर ओवरसोल्ड क्या होता है ये मुझे समझाइए जी। जैन साहब ओवर टू यू। क्लास लेने आ रहे हैं जयपुर अनिल जी, आशु जी इज इन जयपुर टुमारो, आज सुबह फोन आया है और बोले कि मैं जयपुर आ रहा हूँ संदीप जी, तो क्लास लगाने आ रहा हूँ आपको, थोड़े अच्छी से उनकी आवभगत करना, खातिरदारी बराबर करना। और हमारी तो इच्छा अनिल जी की कल एक साथ में शो कर लिया जाए, और जितना 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 मीठा खिला सकते हो, LMB के रबड़ी वाले घेवर खिलाओ उनको, ठीक है। हाँ, तो क्या है कि थोड़ा मूड अच्छा रहे। हाँ, थोड़ा मूड वूड अच्छा लेकर फिर वापस आए, ऐसा कुछ करिएगा। ओके, 2:30 बजने का वक्त है, आइए स्ट्रेटेजी कर लीजिए, आइए लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रेटेजी। .325 नीचे अनिल जी डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है, पूरी की पूरी यूरोप से इंपोर्टेड मंदी है, और यूरोप की भी बात करें तो यूके की इंपोर्टेड मंदी है, यूके के बाजार 1.5% नीचे, सरप्राइजिंगली सबसे ज्यादा इंपैक्ट बाजार पर कम करेंसी मार्केट में ज्यादा रहा है, ऑफ कोर्स उनके बॉन्ड मार्केट में आ रहा है, जो आज भी फिलहाल संभलने का नाम नहीं ले रही है। बट हाँ, 300 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स, करीब 1.5% नीचे नैसडैक फ्यूचर्स, यूरोप में 1.5% की गिरावट, कच्चा तेल 1.5% आपको नीचे दिख रहा है, रुपया वापस रिकॉर्ड लो की तरफ जा रहा है अनिल जी, एकदम जो सुबह 33 पैसे की बढ़त के साथ खुला था पूरी गेंस गिव अप करके रुपया भी सपाट हो गया है, डॉलर इंडेक्स हालांकि उतना मूव नहीं दिखा रहा है, तो करेंसी मार्केट्स में थोड़ा एक्शन खराब हो रहा है, यूके के बाजार में एक्शन खराब हो रहा है, और अमेरिकी फ्यूचर्स साथ ही हमारे बाजार भी रिएक्ट कर रहे हैं, क्या करना है सर इस समय, हालांकि हल्की रिकवरी इस समय इंडेक्स पर दिख रही है, क्या करना है इस समय सर? देखिए सिंपल सी चीज है कि कहीं कोई ऐसे रिलीफ के संकेत तो है नहीं है दोनों तरफ, माफ कीजिएगा, आप दोनों तरफ से देख सकते हैं मार्केट को, एक तरफ आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है 7 दिनों से लगातार गिर रहे हैं, तो आपको ओवरसोल्ड नजर आएंगे भी, और जिन लेवल्स पर, और कल परसों 2-3 दिन से कहीं कहीं थोड़ा बहुत बेस बनाने की कोशिश बाहर के बाजार कर भी हल्की फुल्की खरीदारी से आ रही है, वो अलग बात है कि पहली खरीदारी में बिकवाली हो जाती है, वापस सप्लाई आती है, सो आई थिंक, और आज मंथली एक्सपायरी भी है, तो मेरा ये समझना कि हल्के फुल्के शॉर्ट्स काटे जा सकते हैं लोअर लेवल पे आज दिन के एंड में, जो भी लेवल्स उसके आसपास 16,800-17,000 हमारा आखिरी सपोर्ट लेवल है, जिसके नीचे जाने पर हम ट्रेंड रिवर्सल भी करेंगे, बिल्कुल पॉजिटिव से न्यूट्रल करेंगे, उम्मीद ये कर सकते हैं शायद उसके आसपास बंद होता दिखे, और उसकी वजह यह कि 16,800 के पुट पर 97 लाख शेयर हैं, ठीक है, तो इस बात की संभावना बनती कि आप उसके नीचे बंद ना हो, बशर्ते कि 3 बजे तक आप इस लेवल को होल्ड कर लें 16,800, जिसकी संभावना दिख रही है अभी तक डेटा के लिहाज से,
16900 के पार निकल के टिकना भी चैलेंज है, क्योंकि 1,10,00,000 शेयर वहां पर है। सो बेसिकली निफ्टी ये बता रहा है कि हमें 16800 और 16900 के बीच में पूरे बचे हुए एक घंटे में टाइम पास करना है। ठीक है, क्लियर है। अब अगर 3 बजे के पहले 16900 को पार निकल कर टिक गए तो आप 16950-17,000 तक की जाने की, 16950-16975 की कोशिश करेंगे। अगर 16800 के नीचे टिक गए तो 16725-16750 तक जाने की नीचे कोशिश कर सकते। तो किसी भी एक तरफ 3 बजे के पहले निकले तो 50 से 75 पॉइंट का मूव उस तरफ या तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से आएगा ऊपर गए तो, या नीचे गए तो लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से आएगा, क्योंकि दोनों तरफ मजबूत खड़े हैं। एक तरफ 1 करोड़ शेयर है 16800, दूसरी तरफ 1,10,00,000 शेयर है 16900। ये क्लियर डेटा में दिख रहा है, तो डेटा बैलेंस्ड है। ऐसा लग रहा है कि कॉल राइटर्स दोनों और पुट राइटर्स दोनों तरफ मार्केट को बीच में रखे प्रीमियम कमाने के मूड में ज्यादा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। बैंक निफ्टी 37,500 के नीचे 3 बजे के पहले नहीं जाना चाहिए, अब तक होल्ड किया, उम्मीद आप कर सकते कि होल्ड होगा। 37,500 के पुट पर 53,00,000 शेयर हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ऊपर में 38,000 आपसे पार नहीं होगा, वहां पर 77,00,000 शेयर है, वो भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो इस 500 पॉइंट की रेंज में टाइम पास करके आपको कहीं कहीं बंद हो जाना है, वो सिंपल सी चीज है। तो ज्यादा संभावना है 37,650-35,000 इसके आसपास, थोड़ा सा यहाँ से नीचे होने की कोशिश कर सकता है, बट ओवरऑल आप कह सकते हैं कि रेंज बाउंड मार्केट दिख रहा है। तो कोई बहुत ये क्या हुआ, अचानक से रिकवरी आई बिल्कुल, डाउ रिकवर हुआ है, डाउ फ्यूचर्स 50 अंक रिकवर हुआ नीचे 50 में, तो इतनी रिकवरी नहीं है, ये तो शॉर्ट कवरिंग वाली है हमारी, ये हमारी वाली रिकवरी है, अमेरिका से नहीं है ये हमारी है। थोड़ा सा कह सकते हैं कि रिकवर हुआ, लेकिन चलो एक्सपायरी के दिन ये सारी चीजें रहेंगी तो ठीक है, लेवल्स पर फोकस करें। और बाकी मेरा ये मानना है अगर आप शॉर्ट हैं तो हल्की फुल्की शॉर्ट्स काटनी चाहिए आज मंथली एक्सपायरी के साथ में, और ग्लोबल मार्केट्स जिस तरह से हैं कल फिर से आपको बाजार मौका दे सकता है। ठीक है सर, तो ये है आपके लिए इस समय की राय, कल मौका दे सकता है, ये एक्सपायरी रिलेटेड वॉलेटिलिटी आपकी स्क्रीन पर प्ले हो रही है। आइए एक बिगुल श्रीकांत जी के लिए BTSTD का। बताए सर। जी दीपांशु, वैसे ये स्टॉक कैश का स्टॉक है और जितना मेरा इंडिया सीमेंट फेवरेट स्टॉक है और था, वैसे ही मुझे लगता है कि प्रिज्म जॉनसन ये भी एक स्टॉक है कि जो यहाँ से आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में काफ़ी अच्छी रिटर्न्स देगा। और ये जब ये सीमेंट में अच्छी रैली बनी थी तो ये स्टॉक तकरीबन 150-250 के करीब गया था, अभी वापस इसमें अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। और करंट लेवल से अगर आप देखें तो पिछले 3 या 4 दिनों से ये एक ही लेवल के करीब कंसोलिडेट होते हुए नजर आ रहा है। हमें लगता है कि वेरी शॉर्टली ये स्टॉक यहाँ से एक बार वापस 140-142 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से प्रिज्म जॉनसन को लॉन्ग करके चले जो 125-26 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 118 रुपये का, थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा है क्योंकि मुझे लगता है कि इसे बाय एंड होल्ड की स्ट्रैटेजी में रखना चाहिए, और टारगेट्स हम रखेंगे 145 के टारगेट के लिए प्रिज्म जॉनसन को खरीदारी करने की राय। सीमेंट स्टॉक्स हैं जी, सीमेंट चल रहे हैं सारे, मौजूद चल रहे हैं सभी में। अब रामको देख लीजिए, अंबुजा देख लीजिए, अच्छी खरीदारी आ रही है, स्टार सीमेंट देख लीजिए, श्री सीमेंट ऑफ कोर्स निफ्टी से बाहर जा रहा है, 2% ऊपर है इस समय, जेके सीमेंट, ACC, दालमिया भारत, गुजरात सिद्धि, अल्ट्राटेक सारे मूव कर रहे हैं सर, सीमेंट में एक मूव आ रहा है। बहुत ही बढ़िया, तो ये है आपके लिए परफेक्ट एक्शन वाला स्टॉक आज, सीमेंट स्पेस आज परफेक्ट एक्शन वाली आपको नजर आएगी। आइए बढ़ते हैं आगे, ब्लू डार्ट 1 जनवरी से दाम बढ़ाने की तैयारी में, क्या असर होगा घरेलू कंपनियों पर और बाकी पूरे सेक्टर पर, आइए जानते हैं। अरमान हमारे साथ हैं डिटेल्स के साथ, अरमान बताइए। जी, 1 जनवरी से कंपनी ने सर्कुलर दिया है कि वो 10% जो हैं वो भाव हैं वो बढ़ाने वाले हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने रीज़न भी ये दिया है क्योंकि जो भी उनके लिए लागत है और बेसिकली जो फ्यूल कॉस्ट है उनके लिए वो लगातार बढ़ रही है, तो उसके चलते उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो ये जो भाव हैं वो बढ़ाने वाले हैं। अगर आप देखेंगे कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि पूरा लॉजिस्टिक स्पेस ही है जहां पर वो एक्शन आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कुछ टाइम पहले हमने देखा था, खबर आई थी कि त्योहारी सीजन में रिकॉर्ड सेल होती हुई दिख रही है, जो सिर्फ 4 दिन में अगर आप देखेंगे तो लगभग 24,500 करोड़ की जो है वो बिक्री हुई है। तो वहाँ पर ई कॉमर्स स्पेस में अगर इतनी सेल होती है तो ऑब्वियसली लॉजिकली ये होता है कि इन कंपनियों के लिए जो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करती हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया बेनिफिट होता है, क्योंकि और उनमें इनका यूटिलाइजेशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो भी बढ़ता हुआ दिखेगा, और जो रियलाइजेशन है इफेक्टिवली लॉजिस्टिक स्पेस के लिए वो भी बढ़ता हुआ दिखेगा। अब सिर्फ वही नहीं, अगर आप ऑटो
इंडस्ट्री की भी बात करेंगे तो वहां पर भी डिमांड रोबस्ट है। अब वहां पर डिमांड रोबस्ट होने से फायदा यह है कि इनके जो भी पार्ट्स हैं उनके मूवमेंट्स में भी इनका उपयोग होता है। तो अगर बहुत सारी स्पेसेस जो हमारी डोमेस्टिक स्पेसेस हैं जहां पर डिमांड बढ़िया हो रही है उस कारण जो लॉजिस्टिक्स की जो इन कंपनियों की नीड होती है वो बढ़ जाती है और इसलिए इन कंपनीज को अगर आप देखेंगे तो फायदा होता हुआ दिखेगा। अगर आप स्टॉक्स का इन मंथली रिटर्न अगर आप देखेंगे इस लॉजिस्टिक स्पेस में जिसमें ऑल कार्गो लॉजिस्टिक हैं जिनका लगभग 22% का रिटर्न आता हुआ दिखा है, महिंद्रा लॉजिस्टिक लगभग 4%, टीसीआई एक्सप्रेस 3% और ब्लू डार्ट और डिलीवरी का अगर आप देखेंगे तो 2-3% के रिटर्न आते हुए दिखे हैं। तो ओवरऑल ई कॉमर्स स्पेस में बढ़ोतरी और प्राइस राइज भी हाइक जो ले रहे हैं वो उसके साथ साथ जो फेस्टिव डिमांड का भी इनको सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा उसके चलते इनको फायदा हो सकता है। ओके, तो लॉजिस्टिक्स काउंटर्स पर रखिए नजर और आज भी हम देख रहे हैं चुनिंदा लॉजिस्टिक्स काउंटर्स में तेजी बनी हुई है। ब्लू डार्ट ने तो प्राइसेस बढ़ाए हैं बट लगभग सारे लॉजिस्टिक्स काउंटर्स हैं जो मूव दिखा रहे हैं और ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स इसमें आपने आज अच्छी मूव आती हुई देखी है। इनफैक्ट 3.5% ऊपर ऑल कार्गो अभी आपको ट्रेड भी करते दिख रहा है। पूरे साल हमने देखा है इन काउंटर्स में अच्छी तेजी बनी है। ऑल कार्गो 57% ऊपर रहा है इस साल के लिए। सुमित जी जरा एक बार ऑल कार्गो का चार्ट देखें सर, 420 के लेवल पर इस समय ट्रेड कर रहा है। दीपांशु, ऑल कार्गो का चार्ट स्ट्रॉन्ग है, ये स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करके चले। जब भी इसमें कोई छोटी मोटी गिरावट आती है 10-25 रुपए के आसपास की तो उस गिरावट में स्टॉक के अंदर खरीदारी करना है। अभी फिलहाल इसके अंदर एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। स्टॉक के अंदर यहाँ से जो ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं वो 440-450 के है। 440-450 ये स्टॉक के इमीडिएट टारगेट होंगे ऑल कार्गो के। 450 का लेवल टूटने के बाद 480 रुपए तक के लेवल पोजिशनली ऑल कार्गो में देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी अगर डिप आता है 410-405 तक तो लोअर लेवल्स पर खरीदारी करें। नीचे में जो इसका सपोर्ट है 395-400 के आसपास का है और ऊपर में 440-450 ये इमीडिएट टारगेट, फिर 475-80 तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ऑल कार्गो यहां पर आपको बढ़िया मूव दिख रही है। लॉजिस्टिक्स के साथ साथ हेल्थ केयर या फार्मा शेयर्स में भी आपने रिसेंटली अच्छा एक्शन देखा है। सारे तो नहीं, कभी कभी खबर के दम पर कुछ नेगेटिव रिएक्शन भी आता है जैसे आज लूपन पर हम देख रहे थे, बट अदरवाइज फार्मा इंडेक्स आज भी देखिए 1.5% ऊपर है और पिछले कुछ दिनों की गिरावट में हमने देखा है कि फार्मा स्टॉक्स ने होल्ड आउट करा है। सन फार्मा, सिप्ला पर तो हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से कंसेंसस कॉल्स भी आई हैं। आइए समझते हैं क्या चल रहा है फार्मा पैक में। नुपुर है हमारे साथ तैयार। नुपुर बताइए। काफी कुछ हो रहा है, काफी कुछ एक्शन में, चाहे वो प्राइस चेंजेस हो या फिर यूएस एफडीए की तरफ से ऑब्जर्वेशन हो। कल हमने देखा था टोरेंट फार्मा का एक्विजिशन न्यूज आया था, इनफैक्ट आज स्पार्क 12% ऊपर है क्योंकि आरएनडी पाइपलाइन का वो अनाउंसमेंट करने वाले 4:00 के आसपास। तो काफी हलचल है इस स्पेस में। इनफैक्ट आने वाले टाइम में काफी सारे ट्रिगर्स भी है इस सेक्टर के लिए क्योंकि पिछले क्वार्टर में हमने देखा था कि मार्जिन्स पे काफी दबाव था क्योंकि यूएस की जो प्राइसिंग प्रेशर्स है वहां पे अब ईज आउट होने के चांसेस है आने वाली तिमाही में, तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। और पूरा का पूरा फार्मा सेक्टर का जो आउटलुक है फिलहाल स्टेबल है ऐसा सब मान के चल रहे हैं। कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स में भी मोनेटाइजेशन को लेके काफी पॉजिटिव होने वाला है कंपनीज के लिए। इनफैक्ट जब मंदी का माहौल होता है तो फार्मा एक ऐसा स्पेस होता है जो डिफेंसिव की तरह प्ले करता है, इसलिए शायद पिछले कुछ दिनों में फार्मा इंडेक्स ने आउट परफॉर्म किया है कंपेयर टू मेन इंडेक्स। एफपीआई की तरफ से भी काफी अच्छी खरीदारी आती दिखी है इस सेक्टर में, करीबन 1737 करोड़ की खरीदारी सितंबर के पहले 15 दिनों में देखी गई, तो यहां से भी पॉजिटिव रिएक्शन आते दिखा। अब जो रनअप हुआ है उसके चलते थोड़ा सा वैल्यूएशन इंपैक्ट भी इन स्टॉक्स पे आते दिखा है। जो 5-ईयर एवरेज से कंपेयर करें तो जो पूरी लिस्ट है शायद वो स्क्रीन पर आ ही रही होगी, वहां पर अगर हम देखेंगे तो सारे के सारे स्टॉक्स जो है वो अब फिलहाल 5-ईयर एवरेज से थोड़े से प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट सिर्फ फार्मा स्टॉक्स नहीं, हेल्थ केयर स्टॉक्स और डायग्नोस्टिक कंपनीज भी पीछे नहीं है, यहाँ पे भी काफी अच्छा मोमेंटम है क्योंकि जो इनका बेस है वो अब बनता नजर आएगा। पिछले 2-3 तिमाही में हमने देखा था कि कोविड का बेस था और उसी के चलते जो नंबर्स आ रहे थे वो काफी वीक थे, लेकिन आने वाली तिमाही में बेस काफी नॉर्मल होगा और उस पर जो ग्रोथ आएगी वो काफी पॉजिटिव होगी। तो ये है आपके लिए फार्मा शेयर्स जहां पर आपको रखनी है नजर, एक्शन में भी आ रहे हैं। आइए एक ट्रेडिंग कॉल भी दे रहे हैं श्रीकांत जी, उनसे लेते हैं कॉल, उसके बाद सुमित जी के पास जाएंगे सुमित के सुपर हिट के लिए। पहले बिगुल बीटीएसटीडी। बताएं सर। बिल्कुल, तो दीपांशु हमें लगता है कि नो डाउट काफी सारे फार्मा कंपनीज में काफी अच्छी हलचल है और इनफैक्ट सिप्ला और सन फार्मा इनके फॉर्मेशन से अगर आप देखेंगे तो काफी क्लियरली और भी थोड़ी अपसाइड नजर आती है। लेकिन हमें लगता है कि कुछ एक स्टॉक्स और भी है जो अपने बॉटम से रिवर्सल फॉर्मेशन बना रहे हैं और ग्लैक्सो
उसमें एक ऐसा स्टॉक है कि जिसने एक हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाया है, वॉल्यूम बेस्ड अगर एक्टिविटी देखते हैं तो वहाँ पे भी अच्छा खासा पिकअप है, और साथ ही साथ अगर इसके डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम को देखें तो वो भी क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी बन सकती है। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि ग्लैक्सो को लॉन्ग करके चले, जो 1428 1430 के करीब चल रहा है, हमें लगता है कि ये स्टॉक ऑन अ सेफर साइड 1500 से लेकर 1550 के लेवल्स दिखा सकता है। तो 1380 का स्टॉप लॉस रखें और ग्लैक्सो को करंट लेवल से लॉन्ग करके चले। सो है वो स्टॉक जहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय आती हुई इस वक्त आ रही है। ओके, बाजार फिर से हरे निशान में आने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, जो हम कह रहे थे कि अब ये लेवल पर खरीदने का मौका है, बेचने का नहीं। 225 नीचे रह गए डाउ फ्यूचर्स। एक और चीज जो दीप में इमीडिएटली आपके रडार पे और सबके लाना चाहता हूँ, जरा डॉलर इंडेक्स लाइए। डॉलर इंडेक्स तेजी से थोड़ा नीचे आया है, 114 के आसपास पहुंचने के बाद 113.40 113.50 के आसपास आया, आधा पॉइंट डॉलर इंडेक्स घटा है। और जैसे ही डॉलर इंडेक्स घटा है वैसे ही डाउ फ्यूचर्स की कमजोरी घटी है। जैसे डाउ की कमजोरी घटी है और मतलब खतरनाक वाला कोरिलेशन है, सब भाई भाई है एकदम, साथ में घटते साथ में बढ़ते हैं एकदम है। मतलब डॉलर इंडेक्स से इतना कोरिलेशन मुझे याद नहीं आता, मैंने मिनट टू मिनट वाला पहले कभी देखा। सर ये जो आज की मूव आ रही है ये किसी समय की याद दिलाती है, जो आज ऐसे किसी वोलेटाइल मूव आ रहा है, समय की याद दिलाती है, दिलाती है, थोड़ी मेमोरी रिफ्रेश करने को 2008 की याद दिलाती है। और 2008 की कैसे याद दिलाती है, इस पर हम थोड़ी देर में आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर आने वाले हैं, आपको सुन के मजा आ जाएगा। और आपको सुन के सब मजा तो आएगा जो आएगा, जैन साहब सुनिएगा, ऐसी रिसर्च है जैन साहब को, आप सोचोगे जैन साहब को क्यों मैंने बोला कि जैन साहब का क्या है वो दिन वाला जो होता है ना, कहाँ है जैन साहब, दिखाई ना जैन साहब का ये वक्त जो है ना, ये 2:45 वाला जो समय है जिसमें वसीम साहब हमारे साथ जुड़ते हैं, वो समय जैन साहब के लिए फलाहार का होता है। इस समय जैन साहब देशी और विदेशी फलों का सेवन करते हैं, और इसमें देशी फलों में पपीता होता है उनके मेन्यू में, और विदेशी फलों में एप्पल थी या पेयर था, क्या पेयर पेयर लग रहा है, एप्पल भी हो सकता है, हाँ, पेयर छिली हुई एप्पल या पेयर, दो में से एक होगा कोई भी हो। जैन साहब हमारी रिसर्च तो ठीक है, एकदम परफेक्ट है सर, आपका चेक आपका रिसर्च ऊपर वाला सब देखता है। तो हमने जैन साहब पे बराबर नजर रखी, देखिए हमें पता चला कि उन्होंने क्या ब्रेकफास्ट किया, क्या स्नैक्स वगैरह खाए, लेकिन हम आइए चलिए, तो बाजार रिकवरी के मूड में है और हम एक इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके लिए लेकर आ भी रहे। तब तक वसीम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे करते हैं मुलाकात। वसीम साहब, उतार चढ़ाव के बीच है बाजार, मंथली एक्सपायरी भी है, जरा एक बार सर व्यू आउटलुक बताएं। अनिल जी बिल्कुल, डाउ फ्यूचर देख के तो कल भी सौदा दोनों का कटवाया है, मंदी तेजी, मैंने आपको कहा है द की इज वॉलेटिलिटी विल एंड फ्रॉम मंडे, एंड इफ वॉलेटिलिटी एंड देयर विल बी मोर, वेदर द मार्केट इज 300 डाउन और अप, एटलीस्ट यू आर स्टेबल, यू नीड मोर स्टेबिलिटी, और वो आ रही है। और आपने जैसे जिक्र किया 2008 में मैं भी था, जब मैं हांगकांग में था तो यही रोज होता था, किसी दिन लीमन ब्रदर्स को क्रेडिट रेटिंग अपसाइड था, किसी दिन डाउन साइड था, और आपको पता है किस तरह से बाजार में लीवरेज पोजीशन थी। तो आपने बात की तो मैंने टिप्पणी की, आपको अपडेट भी दे दूं और फ्रेश कॉल भी दे दूं, आप कहें तो आपको कहा है 17600 पहले आएगा, फिर बाद में मंदी आएगी अगर आनी है तो, नहीं तो अक्टूबर का महीना 2 तारीख से बहुत बढ़िया है। ये है आपके लिए बाजार का आउटलुक, बताएं सर अब अपडेट्स भी और साथ ही आपकी फ्रेश कॉल्स। दोपहर को 1:30 बजे 16800 पे बाय दी थी, 16650 का स्टॉप लॉस, 17200 का टारगेट, 100 पॉइंट मिल गए हैं, ट्रेडर जो शार्प है वो अपना प्रॉफिट बुक करे, लेकिन 17200 जाएगा। दूसरा आपको पिक दिया था HDFC AMC, ये 2000 से कम मत बेचना। दूसरा था कॉनकॉर, ये 750-850 से कम मत बेचना। अब एक पिक है आपके लिए, आप कहें तो मैं शुरू करूं, और मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने दोपहर को भी जो निफ्टी दिया है वो ज्यादा नहीं कर सकते बिकॉज लोगों के पास लिमिटेड कैपेसिटी है और वॉलेटिलिटी साथ है, लेकिन अब जो दे रहा हूं स्टॉक वो दिग्गज स्टॉक है, लेके रखिए। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक, बताएं सर अब आज की फ्रेश पिक्स। हेलो, फ्रेश पिक्स बताएं अनिल जी। DLF 348 में लीजिए DLF,
कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 340, 375 का टारगेट कैन कम इन द नेक्स्ट थ्री डेज. आई थिंक रियल इस्टेट इज गोइंग टू बी द लीडर फ्रॉम हियर टिल दिवाली. डीएलएफ, गोदरेज एंड द अदर बैंक, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग सेल्स मैंने कभी नहीं देखी, कोई जगह खाली नहीं है. और डीएलएफ इज एक्सपेंडिंग बोथ ऑन द कमर्शियल एंड द रियल एंड द रेजिडेंशियल साइड. तो डीएलएफ इज अ मस्ट हैव इन द पोर्टफोलियो एट दिस प्राइस. यू विल गेट 375 कमिंग इन द कमिंग वीक और मे बी इन द नेक्स्ट थ्री डेज. ओके परफेक्ट. तो डीएलएफ खरीदारी करने के लिए एक ही पिक और कोई स्टॉक सर नहीं कॉनकॉर आपको एचडीएफसी एएमसी का है अनिल जी 2000 का भाव. जी सर बिल्कुल ठीक बात है. तो एचडीएफसी अच्छा बसी साहब एक और चीज अगर थोड़ा सा समय रहे तो एक इंटरेस्टिंग रिसर्च हम लेकर आ रहे हैं जरा वो सुनिएगा. बहुत ही मजेदार बहुत ही बढ़िया डेटा क्रंचिंग हमारी टीम ने की है और हमने कंपेयर किया है 2008 से कि 2008 में क्या हुआ था. और ये रिसर्च न सिर्फ आम निवेशक के सुनने की चीज है बल्कि हमारे सारे एक्सपर्ट्स के लिए सुनने की चीज है. और सब लोग ध्यान से सुनिएगा कि 2008 में क्या हुआ और आज हम 2008 की बात क्यों कर रहे हैं और 2008 में जो बड़ी मंदी आई थी उसके बाद क्या हुआ. ये डेटा देखेंगे आपकी आंखें खुली रह जाएगी और जो आपके अंदर बंसल जी के शब्दों में हीमोग्लोबिन बढ़ेगा आप सोच भी नहीं पाएंगे. तो 2008 में हुई थी भारी मंदी मतलब जबरदस्त वाली मंदी. और यही 29 सितंबर आज वो ऐसा दिन था 2008 में जिस दिन अमेरिकी बाजार हुए थे धराशायी. जोर से गिरे थे. तो पहले तो 2008 की कुछ खास चीजें जो हुई थी इस दिन. अरमान हमारे साथ हैं इस वक्त ये एक्सक्लूसिव रिसर्च लेकर. अरमान बताइए क्या हुआ उस दिन. सर ये 2008 की जो क्रैश की अगर आप देखेंगे शुरुआत हुई थी वो 29 सितंबर से हुई थी तो आज अगर आप यूं देखेंगे तो वो 14 साल की एनिवर्सरी होती हुई दिखी है. उसी के साथ साथ ये जो गिरावट है ये आज के दिन की इसीलिए इम्पोर्टेंट मानी जा रही है क्योंकि इस दिन अगर 29 सितंबर 2008 की बात करेंगे तो जो बाजार है डाउ जोन्स अगर आप देखेंगे तो 7% गिरता हुआ दिखा है इस ही दिन. और उसी के बाद से अगर आप देखेंगे अगले 10 दिन में ही जो देखेंगे गिरावट जो बढ़ती हुई दिखी है वो सिर्फ अगले 10 दिन में 20% की बड़ी गिरावट आती हुई दिखी है. और अगर मैं सिर्फ थोड़ा और आगे जाऊँ अगर 6 महीने की बात करूँ वहीं से अगर आप 6 महीने अगर आप देखेंगे तो 6 महीने में 36% की गिरावट आती हुई दिखी है. ओवरऑल 2000 की मंदी में सारे मार्केट गिरे हैं, डाउ जोन्स भी गिरा है, हमारे मार्केट भी गिरे हैं. तो डाउ जोन्स का अगर आप गिरावट देखेंगे 2008 से अगर पूरी गिरावट आती हुई दिखी है वो 52% की आती हुई दिखी है. वहीं अगर निफ्टी की अगर आप बात करेंगे तो वो 60% के आसपास गिरते हुए दिखे हैं. अब ये तो बात हो गई गिरावट की. गिरावट के बाद से अगर आप अभी तक का अगर आप रिटर्न देखेंगे कि वहां से लेकर अभी तक कितना गुना जो रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है तो वहां पर डाउ जोन्स अगर आप देखेंगे तो वो 2.9x टाइम्स बढ़ा है. वहीं अगर हमारे मार्केट आप देखेंगे तो हमारे मार्केट 4.4 टाइम्स जो हैं और इतने गुना जो हैं वो बढ़ते हुए दिखे हैं. और अगर आप इसी टाइम फ्रेम के दौरान इनका कैगर रिटर्न देखेंगे तो डाउ जोन्स का जो कैगर रिटर्न बन के आता है वो 7.7% है और हमारे मार्केट का जो कैगर रिटर्न बन के आता है वो 11.1% है. तो ओवरऑल वहां से लेकर अभी तक हमारे मार्केट ने बढ़िया रिटर्न दिया है. मिलाकर कहने की बात है कि 2008 जितनी बड़ी मंदी तो दुनिया भर में मतलब वंस अपॉन अ टाइम 1930 में आई थी. करेक्ट. 1930 के बाद तो मतलब जो वर्ल्ड का ग्रेट वर्ल्ड रिसेशन जो ग्रेट रिसेशन हुआ था वो हुआ था. उसके बाद तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं. यस. उसके बाद 2008 में जो लेमन ब्रदर्स और सब प्राइम क्राइसिस हुआ था उसमें खतरनाक वाली मंदी आई थी. और बाद में जब सारे फेड ने सेंट्रल बैंक ने पैसे छाप छाप के बॉन्ड बाइंग करके और क्वांटिटेटिव ईजिंग पैसा सिस्टम में डाल डाल के इस मंदी का मुकाबला किया. अब जरा इस बात को एक बार फिर से ध्यान से समझिए. 14 साल हो गए इस बात को. 14 साल में हर साल डाउ 7.5% की दर से बढ़ा है ऑन एन एवरेज. यस. निफ्टी 11% से ज़्यादा की बढ़ा है. तो हमने डाउ के मुकाबले में करीबन 3.5-3% ज़्यादा रिटर्न हर साल दिए हैं. yes. पहली चीज़ तो ये है कि हम उनसे कहीं ज़्यादा बढ़ते हैं. करेक्ट. और दूसरी बात यह कि अगर आपने 2008 की मंदी में उस समय सबसे खराब दिन में भी आप इन्वेस्टेड रह गए पैसे डाल दिए तो आपका पैसा अमेरिका में करीबन 3 गुना हुआ है और भारत में 4.5 गुना 14 साल में 4.5 गुना कोई किसी हिसाब से कम नहीं. और अगर आपने स्टॉक और या कोई डंग के फंड लिए तो और भी बढ़िया. अब एक और इंटरेस्टिंग इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग रिसर्च अब आ रही है. ये तो फिर कुछ भी नहीं है कि चलो ठीक है आपको भी पता बोलेगा उसमें क्या बड़ी बात है जी 10-15 साल में तो सब अच्छा ही हो जाता है सबको पता है लेकिन रुक नहीं पाते ना. अब मैं कहता हूँ चलो आप 15 साल मत रुको. ठीक है. 1 साल तो रुकोगे. 2 साल तो रुकोगे. 3 साल कुछ तो रुकोगे कि नहीं रुकोगे. अब आप देखिए जिस दिन ये मार्केट गिरा 29 सितंबर 2008 को
उससे एक साल में कितना कैसा परफॉर्मेंस रहा अमेरिका का और हमारा, उससे दो साल कैसे परफॉर्मेंस रहा, मतलब एक के बाद एक नहीं, जैसे 2008 से 2009 तक का क्या है, एक साल, 2008 से 2010 दो साल, 2008 से 2011 तीन साल, ये परफॉर्मेंस कैसी रही जरा ये डिटेल देखिए, ये सबसे काम की इंफॉर्मेशन है और ये आपके लिए आई ओपनर है, बताएं अरमान जी। सर बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च आती हुई दिखी है कि अगर आप जैसा कि आपने समझा है कि वहां से लेकर एक साल या दो साल या तीन साल पूरे हमने 14 साल जो कि अभी हो चुके हैं, आज जो 14 साल हो चुके हैं, तो आप वहां पे किसी भी साल में देख लीजिए, यहां से एक साल से लेकर 14 साल हर बार जो है निफ्टी ने डाउ जोन्स को आउट परफॉर्म किया है, हर बार किसी भी एक साल ऐसा नहीं हुआ कि जहां डाउ जोन्स ने निफ्टी को आउट परफॉर्म करा हो। अगर आपके पास पूरी लिस्ट अभी यहां पर आ जाएगी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, अगर आप देखेंगे कि वहां से लेकर हर एक साल निफ्टी ने आउट परफॉर्म करा है। आप अगर पहले साल में देखेंगे तो डाउ जोन्स ने -6% का रिटर्न दिया, वहीं निफ्टी ने 29% का रिटर्न दिया, दो साल में 5% तो निफ्टी ने 57%, इसी तरह अगर तीन साल की अगर बात करेंगे तो 6% का रिटर्न, तो यहां पर 29% का रिटर्न आते हुए दिखाए। और आगे की अगर आप देखेंगे जो आगे के साल अगर आते हुए देखेंगे, चार साल, पांच साल, छह साल, हर बार जो आप देखेंगे तो जितना भी डाउ जोन्स ने रिटर्न दिया है उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा निफ्टी ने उनको आउट परफॉर्म करते हुए दिखे हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे 9 साल में भी अगर आप देखेंगे कि जहां पर डाउ जोन्स ने 116% का रिटर्न दिया है, तो निफ्टी ने अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने उस वहां पर अगर आप देखेंगे तो 154% का रिटर्न देगा। और अंत की अगर आप बात करें जो 14 साल जो अभी हो रहे हैं, अगर वहां से अगर टोटल कंपैरिजन किया जाए तो अभी 187% का रिटर्न आता हुआ दिखा है, पर अगर आप निफ्टी की बात करेंगे तो 340% का रिटर्न आता हुआ दिखा है। तो हर साल जहां से वो मंदी से लेकर एक एक साल अगर आप देखते जाएंगे तो निफ्टी ने बार बार हर बार आउट परफॉर्म किया है। तो ये कि उस समय जब भारतीय बाजार अच्छा करते थे, जब तो हम है ना पूरी तरह से फॉरेनर्स पे डिपेंडेंट थे, यस, विदेशी निवेशकों पे डिपेंडेंट थे दीप, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि तब तो हमारी इकोनॉमी टॉप 5 में भी नहीं आती थी, इतने मजबूत भी नहीं थे, टॉप 10 में भी आई थिंक नहीं, टॉप 10 में भी शायद नहीं आते थे, बराबर सही बोला, टॉप 10 में भी नहीं थी। तीसरी चीज जो है दीप कि तब हमारी कंपनियों की कमाई आप देखें तो इतनी ज्यादा थी नहीं, तब हम कई मामलों में वर्ल्ड लीडर भी नहीं थे, राइट, करेक्ट। अब तो सिचुएशन अलग है, आज तो हमारा देश पहले के कंपैरिजन में कितनी मजबूत स्थिति में, बिल्कुल। अब आपको जो समय चुनना हो वो समय चुने, एक से लेकर 14 साल के पीरियड में, पहली चीज हर साल निफ्टी का रिटर्न पॉजिटिव आया है, यस। दूसरी चीज हर साल डाउ से बेटर आया है, बिल्कुल। अब अगर आप एयर डेटा देखकर एक साल, दो साल, तीन साल का मन नहीं बनाना चाहते तो भाई साहब कैसे पैसे बनेंगे, मतलब फिर तो ये कि अगर अपने हमेशा इसी चीज में मतलब रोना धोना रखेंगे कि आज लिया तो कल गिर गया, ठीक है, इसने बोल दिया, उसने बोल दिया, 18,000 पे किसी ने सब बिकवाया नहीं, 17,000 पे भी दिलवा दिया, 17,200 पे भी दिलवा दिया, ये सब चीजें जिंदगी में चलेगी, यस। और मैं फिर एक चीज और बता दूं कि ये रिटर्न जो गिने हमने उस दिन के फॉल से गिने, जिस दिन आप अमेरिका बहुत जोरदार गिरा था, उसके बाद भी 6 महीने 12 महीने नेगेटिव रिटर्न रहे, अगले छह महीने तो नॉट नेसेसरी कि आप एकदम बॉटम पे ही पैसा लगाएंगे, नॉट नेसेसरी कि आप, मतलब हो सकता है आप बॉटम पे न लगाएं या लगाने के बाद वो नीचे जाए, हो सकता है आपके इतने ना भी बने, लेकिन बन तो रहे ना, अगर आप इन्वेस्टेड रहे तो पैसे बन रहे हैं, यस। और आपको किसी पे भरोसा नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपको स्टॉक पे भरोसा नहीं कि 10-15 साल ये कंपनी का क्या होगा भगवान जाने, किसी फंड पर भरोसा नहीं कि फंड चलेगा कम ज्यादा होगा, फंड मैनेजर क्या करेगा क्या नहीं, इंडेक्स पे तो भरोसा रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, हाँ सर, इंडेक्स में तो कभी ताला नहीं लगा आज तक, नहीं लगा, स्टॉक मार्केट बंद नहीं हुए, कुछ मत करो, आप पे किसी पे भरोसा मत करो, खाली इंडेक्स शांति से लेके बैठ जाओ, ये आपके पास 14 साल का इतिहास है, बिल्कुल। अब इससे ज्यादा बताओ आपको क्या बताया जाए डेटा, जी जैन साहब विशेष टिप्पणी दीजिए अब। नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छा डेटा लाए, इनफैक्ट मुझे याद है 15 सितंबर को मैं इसी शो में इसी टाइम पे इनफैक्ट था, और मैं उस दिन लेमन ब्रदर्स को याद कर रहा था, और 15 सितंबर के बाद देखिए आप 29 सितंबर है आज, और बहुत खराब दिन थे, मुझे याद है कि मतलब इक्विटीज का नाम लेना भूल गए थे, और हम लोग इक्विटीज कमोडिटीज सबके ब्रोकर थे, तो हम भी उस टाइम पे कमोडिटीज की तरफ फोकस्ड हो गए थे, और 9-10-11 तो MCX बढ़िया चला, और फिर 12 के बाद वापस से जब वो भी खराब समय था इक्विटीज के लिए, फिर 13-14 के लगभग जब मोदी जी का माहौल बना कि आने वाले हैं, तो मुझे याद है अगस्त सितंबर से तब माहौल बना, और एक बार जरूर से 2010 में कोल इंडिया के टाइम पे नवंबर में बना था, तो ये पीरियड को मैंने बहुत करीबी से और देखा, क्योंकि बहुत पेनफुल पीरियड था, और करियर का मेरा भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, और तभी हम भी मिले थे अनिल जी,
तो 11-12 में आपके साथ शोज करना स्टार्ट किया था और तब जैकपॉट ढूंढना स्टार्ट किया था, तब बहुत अच्छे स्टॉक्स कोड़ियों के भाव पे मिलते थे और वो ऐसे मल्टीपैकेट्स बने हैं कि मतलब 15 गुना 20 गुना 25 गुना तो कई सारे स्टॉक्स हम गिनाते हैं और आज तो हम रोज एक एक स्टॉक लाते हैं जेम्स साहब के जेम्स के माध्यम से। तो मुझे लगता है आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जो भी ले रहे हैं वो 2 दिन 5 दिन आजकल 3 महीना 6 महीने के होराइजन से लेते हैं। मैं कल भी यही बात बोला था और मुझे लगता है कि 2 से 2.5 साल अगर जो लोग अभी पेशेंस रखेंगे और अभी शेयर्स लेंगे, और आज भी हमने हमारे क्लाइंट्स को ना किया है कि प्लीज डोंट एग्जिट एट दिस लेवल 16,800, हो सकता है यहाँ से 200-400 पॉइंट नीचे निफ्टी चली जाए नीचे, बट इट इज एन अमेजिंग टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। बहुत सारे स्टॉक्स जैसे कि फार्मा की हम बात कर रहे थे, सीमेंट स्टॉक्स गजब के सस्ते वैल्यूएशन पे है, और बहुत सारे आईटी सेक्टर, आप जिन स्टॉक का नाम लो, इवन रिलायंस एज ए सेक्टर देखें, बहुत सारी स्टॉक्स बहुत सस्ते भाव पे है और इवन बैंकिंग स्टॉक्स करेक्ट हो रहे हैं। तो बिल्कुल ये बेस्ट टाइम है इंडिया का और मुझे लगता है कि इंडिया इज अ बिग एसेट क्लास और आगे आने वाले समय एक्चुअली में इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी पे पूरा भरोसा रखें और पैसा लगाएं। बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, अब इसमें एक चीज और है जो मैं आपको बताऊं कि क्या है, आप ये परसेंटेज और ये इन सब में ना किसी का मूड ही नहीं बनता, उनको लगता है परसेंटेज अनिल जी ने अपने हिसाब से निकाल लिए होंगे, ठीक है ना। आपने मैं अब आपको बता दूं 2008 29 सितंबर, ये तो आप गूगल कर सकते हो। यस, 3,900 था निफ्टी उस दिन। यस, कितना 3,900, आज कितना है 16,900, ये आपके सामने डेटा है। 3,900 का निफ्टी आज 16,900 है। चलो मान लो कि आप तो बहुत बढ़िया एक्सपर्ट नहीं हो, बहुत बढ़िया अच्छे मतलब बहुत ही घटिया टाइप के इन्वेस्टर हो, इस साल में उसी दिन पैसा लगाते हो जिस दिन साल का हाईएस्ट टॉप बनता है, तो उस दिन उस साल में 1 जनवरी को मान लो कि 6,000 का निफ्टी था। yes. मान लो क्या मतलब 6,000 का निफ्टी था ही, मान लो नहीं था ही, समझो आपने 3,900 पे नहीं लगाया, 6,000 पे लगाया, 6,000 पे लगाया, इसका मतलब 40% घट गया आपका, 3,900 आ गया, 2,000 पॉइंट घट गया, 6,000 से 2,000 पॉइंट घट गया, तो हो गया ना आपका 40% हो गया, करीबन करीबन 40%। अब सोचो आप अगर आपने 6,000 पे भी पैसा लगाया तब भी आज आप 17,000 हैं, ऑलमोस्ट 3 गुना पे, ऑलमोस्ट 3 गुना तब भी है। तो अब इससे ज्यादा किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर हमारे कुणाल जी कह रहे हैं 7 दिन तक लाल कलर की मोमबत्ती बनी नहीं कभी एक साथ कितने सालों बाद, कुणाल जी अब किस चीज का इंतजार करना है पैसा लगाने के लिए बताइए। अनिल जी किसी भी चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए, अनिल जी बिल्कुल निवेश करना चाहिए, पूरी तरह मैं सहमत हूं। और बड़ी ही रोचक जानकारी अनिल जी मिली है कि जिस तरह का रिटर्न है हर साल निफ्टी ने डाउ जोन्स को आउट परफॉर्म किया है, तो अनिल जी पूरी तरह सहमत हूं, बिल्कुल बाय करें, क्वालिटी स्टॉक्स चुनें, रोजाना इतने शानदार चार्ट्स की हम लोग चर्चा करते हैं, तो अनिल जी कोई अभाव नहीं है अवसरों का। अनिल जी बिल्कुल, तो बस भरोसा रखें, नहीं लगाना नया पैसा कोई बात नहीं, जरूरी कि सबके पास हो तो भी मन ना करें, संभव है ऊपर ले लिया है भाव नीचे आता है, कॉन्फिडेंस सबका इल्तर, आप पहले और आखिरी आदमी नहीं है ऐसा अगर सोच रहे हैं तो। हमारा काम यहाँ पर यही है कि आपको जब आपका कॉन्फिडेंस हिले तब आपको कॉन्फिडेंस दिलाने का, हमारा काम यही है कि जब आप मैदान छोड़कर भागो तो आपको ये बताने का कि आप शूरवीर हैं, पीठ न दिखाएं, मजबूती से लड़ें। अगर अच्छी क्वालिटी के स्टॉक हैं आपके पैसे इस मार्केट में बनेंगे बनेंगे और जरूर बनेंगे, होल्डिंग करने की आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, बिल्कुल थोड़ा ऊपर नीचे देखने की आपकी ताकत होनी चाहिए, सिर्फ ये सोचे कि मैं ले लूँ और वहाँ से बिल्कुल नीचे न जाए, मैं बेच दूँ और उसके बाद ऊपर न जाए, ये संभव है नहीं। अगर कभी कभार एक आध बार गलती से हो जाए तो वो एक अलग बात है, वो बाई चांस है, हर बार करना संभव नहीं है। इसलिए प्लीज़ अगर आपने कोई बात नहीं ऊपर के लेवल पर ले लिया, मैं आपको बार बार यही कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपके पास अच्छे स्टॉक हैं या इंडेक्स है होल्ड करके रखेंगे 100% आप मुनाफे में निकलेंगे, न कि नुकसान में। बस Absolutely. पूरी कहानी का लब्बू लुबाब ये। बिल्कुल सर, तो ये थी हमारी एक्सक्लूसिव रिसर्च जो अरमान आपके लिए लेकर आ रहे थे, और बाजार का रिटर्न तब से अब तक। आइए सुमित जी की एक कॉल रह गई थी, चलते हैं उनके पास और लेते हैं सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु बाय का स्टॉक है, 1330 के आसपास का भाव है, 1332 टू बी वेरी प्रिसाइज। स्टॉक का नाम है हेवेल्स, स्टॉक का नाम है हेवेल्स, 1330-32 के आसपास इसमें खरीदारी करें, 1305 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा, और ऊपर में जो इसमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वो है 1360 रुपए से लेके 1380 रुपए तक के। हेवेल्स में खरीदारी करें,
1360 1380 ये टारगेट होंगे, 1305 नीचे में स्टॉप लॉस होगा। 2 से 3 दिन का व्यू लेकर खरीदारी करें, एक अच्छा मूव यहाँ से ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। तो ये है आपके लिए हेवल्स में खरीदारी करने की राय। ओहो, चलो सुमित जी को भी कुछ तो पसंद आया, बिगुल भी बजाया और वो भी खरीदारी का। तो सुमित जी, श्रीकांत जी, हिमांशु जी और वागले साहब, चारों के लिए बिगुल का ऐलान हो चुका है। जैन साहब का तो कोई ऐसा बिगुल होता नहीं है क्लोजिंग वाले शो में। बाकी लोग आप समझ ही गए होंगे क्या कर रहे हैं। समझ तो गए होंगे, समझ गए बिल्कुल। कोई मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं आपको लोग? अच्छा, ओ सामने देखने को भी तैयार नहीं है कि आंखों में आंखें डाल के कैसे बात करें। बराबर ना? अरे कुणाल जी, आप तो नीचे देखते हुए अच्छे लग रहे थे। वाह, आज तो कोई मूड में नहीं, आज बिल्कुल मूड कोई बिल्कुल मूड। चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास है आशीष चतुर्वेदी जो बताने के लिए तैयार है। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली और रिपोर्ट निकाली है केमिकल स्टॉक्स पर, केमिकल सेक्टर पर, और इस सेक्टर पर बुलिश नहीं, बहुत जरूरत से ज़्यादा बुलिश हुए हैं मॉर्गन स्टैनली वाले। क्यों हुए, क्यों बड़ी ग्रोथ दिख रही है और किन शेयरों में, आशीष बताइए। सर बड़ी ग्रोथ है, बड़े बुलिश हैं, कह रहे कि अगले 4 साल में क्षमता के जितना केमिकल स्पेस का मार्केट कैप है दुगना हो सकता है और बढ़िया ग्रोथ यहां पर देखने को मिल सकती है। सर सुबह आपने टाटा केमिकल्स का जिक्र भी किया था कि जितनी भी रिपोर्ट्स हमने बताई थी सबसे बेस्ट रिपोर्ट है और स्टॉक देखिए अच्छे एक्शन में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल अगर आप देखें तो कुछ ब्रॉडर पॉइंट्स है, बड़ी रिपोर्ट है, करीब 55 पन्नों की ये रिपोर्ट है, इसमें से मैं आपको क्रक्स बताता हूँ। देखिए ये मान रहे हैं कि भारत फुल रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट है। आपने कितने पढ़े, पहले दूसरा पढ़ा होगा खाली? नहीं नहीं नहीं, कहां तक पहुंचे? पूरी रिपोर्ट पढ़ के आए हैं सर। संभव ही नहीं है दीप, आप काम पूरा नहीं दे रहे, इसका मतलब आदमी इतना फ्री कैसे 55 पेज की रिपोर्ट पढ़ पाए? मैं भी नहीं मानता 55 पेज पढ़े। चलिए हम दोनों नहीं मान रहे, अब आप बताइए। तो सर ये कह रहे हैं कि सेक्टर में बहुत बढ़िया ग्रोथ यहाँ से देखने को मिल सकती है। पहले कैसे बातें होती थी कि चाइना प्लस वन का फायदा मिलेगा, लेकिन एक बड़ा एंगल ये भी आ रहा है कि यूरोप प्लस वन का फायदा भी भारतीय केमिकल इंडस्ट्री को देखने को मिलेगा और इसके लिए काफी लंबे समय से तैयारी हो रही है। देखिए बड़े बड़े केपेक्स के अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि जितना फिक्स्ड असेट्स हैं इनका 20% तो मिनिमम हर कंपनी अपने क्षमता विस्तार पर खर्च कर रही है। इससे आगे जाके कंपनीज की रेवेन्यू में, ग्लोबल मार्केट शेयर में काफी बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी। ग्लोबली केमिकल्स का आउटलुक भी काफी अच्छा है, जितने भी मेजर कंपनीज हैं सबकी तरफ से जो गाइडेंस आई है ग्रोथ की निकलकर वो काफी अच्छी है, इसका फायदा यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। तो कुछ स्टॉक इन्हें पसंद आते हैं, कुछ स्टॉक इन्हें पसंद नहीं आते, जिनमें प्राइसिंग के कंसर्न है या फिर एग्जीक्यूशन के थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं वो स्टॉक्स इन्हें पसंद नहीं आ रहे, लेकिन जो स्टॉक्स अच्छे हैं मिसाल के तौर पर आप देखिए टाटा केमिकल्स, यहां पर डबल अपग्रेड किया इन्होंने, पहले अंडरवेट की राय थी अब ओवरवेट की राय दी, लक्ष 850 से बढ़ाकर 1319 कर दिया। तो वहां पर अगर आप देखें तो स्टॉक में अब आज अच्छी तेजी भी देखने को मिल रही है। नवीन फ्लोराइन इस स्टॉक में भी देखें तो बुलिश काफी ज्यादा है, 4562 से लक्ष को बढ़ाकर 5358 कर दिया, अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिली। SRF के भी जो केपेक्स प्लान है इनको थम्स अप दे रहे हैं और यहां पर भी देखिए 2757 से 3571 लक्ष को कर दिया है, लेकिन कुछ स्टॉक इन्हें पसंद नहीं आ रहे, मिसाल के तौर पर दीपक नाइट्राइट, यहां पर फिनॉल की जो प्राइसिंग है आगे जाके डिमांड आउटलुक थोड़ा सा फिजल आउट होगा, इसके लिए इन्हें भरोसा नहीं है। तो टारगेट कट भी किया इन्होंने, टारगेट कट किया 1915 से घटाकर 1732, स्टॉक में भी थोड़ा सा दबाव है। आरती इंडस्ट्रीज यहां पर ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल रही है क्योंकि डबल डाउनग्रेड किया है, पहले ओवरवेट की राय थी अब सीधे इन्होंने अंडरवेट की राय दी है और लक्ष्य भी देखिए 957 से घटाकर 685 कर दिया है। यहां पर भी ये मान रहे कि इन्हें रॉ मटेरियल सोर्स करने में दिक्कत होगी तो इसका एक असर देखने को मिल सकता है। तो आरती इंडस्ट्रीज पसंद नहीं है, टाटा केमिकल सबसे ज्यादा पसंद है। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा केमिकल और इसीलिए टाटा केमिकल आज सबसे मजबूत और आरती इंडस्ट्री वायदा कारोबार में कमजोर शेयरों की श्रेणी में सबसे आगे नजर आ रहा है। ये है आपके लिए टेक्सटाइल शेयरों पर और इस बीच बाजार फिर से एक्सपायरी की वोलेटिलिटी दिखाते हुए हल्के कमजोर होकर 16,800 के आसपास। हीरो या जीरो ट्रेड, आइए स्वागत करते हैं नितिन जी का। स्वागत है आपका नितिन जी, बताएं सर। सर बैंक निफ्टी 37,600 की पुट ऑप्शन लेंगे 35 रुपए में, 37,600 की पुट ऑप्शन 35 रुपए में, जिसका स्टॉप लॉस 10 रुपए का रखना है क्योंकि अब केवल बच गए 20 मिनट और इसके टारगेट होंगे आपको 70 रुपए का, यानी डबल का टारगेट और 20 रुपए स्टॉप लॉस रखना है 37,600 की पुट ऑप्शन। ओके,
तो 37,600 की पुट ऑप्शन 35 रुपए में लीजिए, 10 का स्टॉप लॉस 70 का टारगेट, यानी कि 37,550-560 तक की आते हुए भी 540-525 तक आएगा तभी आपके टारगेट हासिल हो जाएंगे। अब तो एट द मनी हो जाएगा लगभग लगभग 37,600 का पुट तो एट द मनी हो जाएगा। तो ये है आपके लिए नितिन जी की तरफ बैंक निफ्टी का पुट खरीदने की राय। आइए हिमांशु जी के लिए बिगुल हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। अनिल जी स्टॉक कल से निफ्टी में आएगा और इसमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है 3500 के नीचे। अदानी एंटरप्राइजेस में एक बुलिश रिवर्सल जो अटेम्प्ट हो रहा था सपोर्ट से वो नेगेट होते हुए नजर आया है और मुझे ऐसा लगता है अनिल जी ये स्टॉक 3300-3200 तक के लेवल्स दिखाने के लिए तैयार है। अदानी एंटरप्राइजेस में बिकवाली करेंगे क्योंकि एक हाई वॉलेटाइल स्टॉक है तो ऑप्शन के जरिए अनिल जी खरीदारी करेंगे। इसमें 3400 की पुट ऑप्शन खरीदेंगे अक्टूबर की जो कि अभी 190-195 रुपए है, इसमें 185 रुपए तक भी डिप मिलता है तो खरीदारी करें। 170-170 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 240-275 रुपए के दो टारगेट्स 3400 की पुट ऑप्शन में अदानी एंटरप्राइजेस में आते हुए नजर आ सकते हैं। मुझे लगता है कि यहां पर एक अच्छा ब्रेकडाउन की स्टार्टिंग हुई है जिसमें 3350 तक के लेवल्स इमीडिएट शॉर्ट टर्म में अदानी एंटरप्राइजेस में देखने को मिल सकते हैं। माफ कीजिएगा अदानी एंटरप्राइजेस पर रखिए नजर, ये काउंटर भी गिरने के लिए तैयार है। जो कल हम आपको रिसर्च बता भी रहे थे कि जो स्टॉक्स निफ्टी में आ रहे होते हैं वो ऑलरेडी फंड्स का एडजस्टमेंट हो चुका होता है तो यूजुअली निफ्टी इंक्लूजन या इंक्लूजन के बाद आप स्टॉक्स में गिरावट देखते हैं और दूसरी तरफ जो बाहर जा रहे होते हैं वो तेजी दिखाते हैं क्योंकि ऑलरेडी पहले से फंड एडजस्ट कर चुके हैं। तो श्री सीमेंट पर भी रखिए नजर, उतना खराब नहीं है श्री सीमेंट बाहर आने वाले दिन, बट जिस दिन इंक्लूजन हो रहा है अदानी एंटरप्राइजेस में आपको एक ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है। आइए चार्ट कॉर्नर चलते हैं राकेश जी कुणाल जी के पास। बताएं सर। दीपांशु हमारी खरीदारी की राय है IRCTC में। IRCTC में खरीदारी की राय है, स्टॉक गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर यहां देखने को मिला है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु एक बहुत अच्छा मोमेंटम चार्ट पर बनता हुआ दिख रहा है और पिछले कुछ मिनटों में स्टॉक में बड़ी तेजी भी आई है तो नीचे के लेवल्स पर बाय करें यानी कि 698-700 के आसपास मिलता है तो IRCTC में हमारी खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 690 रुपए पर, 690 पर स्टॉप लॉस रखकर बाय करें। पहला टारगेट 725 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 740 रुपए का, 740 के टारगेट के लिए IRCTC में खरीदारी की राय। एक बार कुणाल जी जरा लेवल्स फिर से बताएंगे और ये आप स्पॉट की बात कर रहे हैं करंट मंथ फ्यूचर्स या फिर अक्टूबर फ्यूचर्स वो भी बता दें सर। हाँ दीपांशु मैं करंट मंथ फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं जो आज समाप्त हो जाएंगे तो उसी के हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करना होगा। स्टॉप लॉस रखना है 690 पर, 690 रुपए पर स्टॉप लॉस रखें जिस भाव पर और थोड़ा नीचे आने पर खरीदें, जैसा मैंने कहा कि 700 से नीचे खरीदना है 690 पर स्टॉप लॉस रखना है। ऊपर टारगेट होगा 725 का पहला, 740 का दूसरा टारगेट है जिसके लिए IRCTC में खरीदारी कराई है। ये सितंबर फ्यूचर्स के लेवल्स है क्योंकि अगले महीने के फ्यूचर्स हम देख रहे हैं करीब 25-26 रुपए के डिस्काउंट पर आपको दिखेंगे तो प्राइस और लेवल्स उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लेंगे। करंट मंथ फ्यूचर्स जो आज ही के एक्सपायरी के लेवल्स हैं बट अगर आप अगले मंथ के फ्यूचर्स या फिर कैश में ट्रेड कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें, करीब 25-26 रुपए नीचे आपको नेक्स्ट मंथ के प्राइसेस दिखेंगे। आइए एक बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु भाई का स्टॉक रडार पे आया है, स्टॉक का भाव चल रहा है 383 रुपीज 50 पैसा, स्टॉक का नाम है जाइडस लाइफ। जाइडस लाइफ के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, पिछले तीन दिनों से स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है और आज तो स्टॉक 200 डीएमए लेवल भी ब्रेक कर रहा है और 200 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलेगी ऐसा मेरे को लगता है। ऐसा होने पे ये स्टॉक के अंदर 2-3 दिनों के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। जाइडस लाइफ के अंदर यहां से ऊपर में 395 रुपए से लेके 400 रुपए तक के लेवल एक दो दिनों के अंदर पुल बैक बाउंस बैक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 370-372 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। 372 का स्टॉप लॉस लगा के जाइडस लाइफ के अंदर यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 395 से लेके 400 रुपए तक के टारगेट जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए। इसका 200 डीएमए लेवल 380 है, आज 380 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलने पे एक से दो दिनों के अंदर ही बढ़िया मूव देखने को मिलेगा, खरीदारी करें जाइडस लाइफ। ओके तो जाइडस लाइफ 395-400 के टारगेट से इस पर करें खरीदारी। वागले साहब के पास चलते हैं, वागले का वंडर। हेलो
बताएं वागले साहब। दीपांशु, बीटीएसटी में डॉक्टर रेड्डी लेके चलना है, बहुत हफ्तों महीनों के बाद इसका पैटर्न ऐसा बना है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, कल के लिए नहीं लेकिन अगले 2 से 3 दिन के लिए भी कंटिन्यू रह सकता है। मेरा 4600 का टारगेट है, 3 से 4 दिन लगेंगे, आपका स्टॉप लॉस 4300 का होना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज, जहाँ पर रखनी है आपको नज़र। ये काउंटर भी आपको गिरने के लिए तैयार, ऊपर जाने के लिए माफ कीजिएगा, तैयार दिख रहा है। 4600 के टारगेट वागले साहब की तरफ से आ रहे हैं आपके लिए। पर एक्शन में है पीवीआर, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे और हाईलाइट भी कर रहे थे, क्यों थोड़े रीजन हम बता भी रहे थे, आइए और रीजन समझते हैं कुशल के साथ। तो पहले एक बार दीप मार्केट पर नजर डालें और वापस से नजर डालें डाउ फ्यूचर पर, जो और 50 पॉइंट सुधरे हैं। डाउ फ्यूचर अभी 170 पॉइंट नीचे रह गए हैं जी सर। तो डाउ फ्यूचर जो 325 पॉइंट नीचे था कार्यक्रम की शुरुआत में, वहाँ से करीबन 150 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी आती हुई दिखी है, 150 पॉइंट के आसपास की रिकवरी आपको आती हुई नजर आ रही। तो ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है इस वक्त। बिल्कुल, तो फ्यूचर्स संभल रहे हैं, हमारे बाजार थोड़ा वॉलेटाइल और ज़्यादा, और क्या एक्सपायरी का थोड़ा रिकवर हुआ है, 14 पैसे रिकवर जी। तो आइए, क्यों है एक्शन में मल्टीप्लेक्स शेयर आज मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, तैयार है कुशल बताने के लिए, कुशल बताइए। सर यहाँ पे कल फ्राइडे है और दो बड़ी फिल्में ये रिलीज हो रही है, इम्पॉर्टेंट ये है। एक तो हिंदी फिल्म विक्रम वेदा, जिसमें सैफ अली खान और ऋतिक रोशन है, और दूसरी तमिल फिल्म। विक्रम कौन है, वेदा कौन है? सर विक्रम वेदा। तैयार नहीं हो गया है कुछ। सवाल कोई भी आ सकता है जो आउट ऑफ सिलेबस। सर मैं PS1 में जो हीरोइन है उस वो पढ़ के आया था, हीरोइन पढ़ के आया, बट कौन क्या है ये नहीं पढ़। PS1 क्या है? पोनीन सेल्वन। अच्छा, ये नाम है PS1। अच्छा, दूसरी पिक्चर? दूसरी पिक्चर, वो तमिल फिल्म है। अच्छा, वो भी रिलीज हो रही है? वो भी रिलीज हो रही है, जो मणि रत्नम ने डायरेक्ट किया। हीरोइन का नाम पड़ गया, कौन है वो? ऐश्वर्या राय बच्चन। अच्छा, ये जो आपने फिल्म का नाम बताया, कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है? विक्रम वेदा और तमिल, पोनीन सेल्वन। इसका मतलब बताइए। एक अच्छा एंकर हो ये, जिसके कभी सवाल खत्म ना हो। जी, अब जो जो आप पढ़ के आए वो बता दीजिए। सो दो मूवीज रिलीज हो रही है और मैं एडवांस कलेक्शन डेटा जो पहले दिन का होता है वो देख रहा था, काफी सारे सोर्सेज के थ्रू ये डेटा आया है। अब एग्जैक्टली यहाँ पर आप देखें तो 1250 मल्टीप्लेक्सेस के लिए पिछले शनिवार को विक्रम वेदा की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई थी, और अभी तक डेटा ये है कि पूरे देश में 70,000 टिकट्स इनकी कुल बिकी है, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने अफोर्डेबल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया है, एंड नेट कलेक्शन करीबन 1.5 करोड़ रुपये का अभी तक का हुआ है इनका। इनफैक्ट भूल भुलैया 2 जो कार्तिक आर्यन की थ्री, उसमें 6.7 करोड़ का ये आंकड़ा है। अब देखना होगा कि कल ये आंकड़ा ये पार कर पाते हैं नहीं, बट लार्जली जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज इधर हो रही है एडवांस कलेक्शन के केस में वो PS1 में हो रही है, जिसमें काफी बढ़िया रिस्पांस अभी तक इनको देखने को मिला है। मणिरत्नम की ये तमिल फिल्म है, 5 भाषाओं में रिलीज हो रही है और 6 लाख से ज्यादा टिकट्स इनकी ऑलरेडी बिक चुकी है, ऐसा सोर्सेस कह रहे हैं। इनफैक्ट अब तक पहले दिन की जो एडवांस बुकिंग है वो ऑलमोस्ट 12 करोड़ रुपए का कलेक्शन हो चुका है। तो डेफिनेटली इन दोनों ही मूवीज के हिसाब से आप देखिए तो जो एडवांस बुकिंग हुई है, जो कलेक्शन हुए हैं, फुटफॉल्स काफी अच्छे बढ़ने वाले हैं, और इससे जो इनका फूड एंड बेवरेज सेगमेंट है वहां पर भी काफी अच्छी आप ग्रोथ एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ओके, तो ये है पीवीआर, जहां पर आज एक्शन भरपूर इसी वजह से कि दो बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है कल। कल है शुक्रवार, दो बेहतरीन पिक्चर्स। बंसल जी, वो तो बंसल जी विक्रम वेदा के लिए तो बोला कि क्या देखकर टिप्पणी करेंगे? हां, देखकर टिप्पणी करेंगे, बिना देखे नहीं करेंगे। तो देखने जाएंगे सर? देखिए अनिल जी, अभी तक तो मैंने विचार बनाया था, जैसे अभी बताया कि टिकट्स नहीं मिल रही। अनिल जी, मैंने तो पीवीआर में कल रात का 11 बजे का शो चेक करा था, तो अनिल जी एक रो पूरी फुल थी और एक आधी फुल थी, पूरा हॉल खाली था। तो पता नहीं अनिल जी कहाँ से डाटा आता है कि टिकट्स नहीं मिल रही है, टिकट्स तो अवेलेबल है। और ये अनिल जी तमिल मूवी की रीमेक है, तमिल में तो सुपर डुपर हिट गई थी, अब देखना यह कि हिंदी में हिट जाती है कि नहीं जाती। अनिल जी देखूंगा तो सही, अब देखना यह है कि देखता कब हूँ, मतलब कि शुक्रवार देखता हूँ, शनिवार देखता हूँ कि सोम मंगलवार को देखता हूँ। आमतौर पर आप जब देखने जाते हैं मूवी, डिसाइड करते हैं कि देखने, उससे पहले मतलब रिव्यूज वगैरह पढ़ के या एक दो किसी को पूछ के जाते हैं या खुद ही रिस्क ले लेते हैं लाइफ में?
नहीं जी, खुद ही रिस्क लेता हूँ, लेकिन अभी आप लोगों ने बताया ना कि 75 रुपए में टिकट मिल रही है, तो मैंने पूरा चेक करा था, 75 रुपीज में कहीं टिकट अवेलेबल नहीं है, तो एक बार और आरएनटी करूंगा। वो खाली सिनेमा डे के दिन मिली थी 75 में, और उसके बाद ब्रह्मास चल रही थी तो उन्होंने बोला कि हम 75 में या 100 में 100 रुपए में बेचेंगे। हाँ, बाकी कोई हमने कोई ऐसा क्लेम नहीं किया 75-100 में मिली। बंसल जी, हमने कभी नहीं कहा, आप तो 300-400-500 वाली देख के आओ। सस्ती वाली आपके लिए नहीं है, वो खाली सिनेमा के दिन चली थी, बस उतनी चली। अब तो वापस वही सेम भाव है पुराने वाले। बिल्कुल आ गए, बिल्कुल ओके। 3-20 वाली स्ट्रेटजी कर ली जाए, अब कर ले। बिल्कुल आई अनिल जी की 3-20 की स्ट्रेटजी। थोड़ा सुधरे हैं सर, और सुधरने की थोड़ी कमेंट्री भी आ रही है। इनफैक्ट मैं वही ढूंढ रहा था। ईसीबी के एक मेंबर है मार्टिन कजाक, जो कि लैटवियन सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं और वो ईसीबी के भी मेंबर हैं। वो कह रहे हैं कि अक्टूबर में ईसीबी 75 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.5% से तो रेट्स ज़रूर बढ़ाएगा, और वो कह रहे हैं कि और ज़रूरी है यहाँ पर इन्फ्लेशन को काबू में लाना। अभी अभी 5 मिनट पहले ही उनके पब्लिक कमेंट्स ये आए हैं कि रेट्स बढ़ाने की ज़रूरत है, बड़ी तरह से एक्शन की ज़रूरत है और इन्फ्लेशन को काबू में लाने की ज़रूरत है। वो यूरो के बारे में भी बात कर रहे हैं जो यूके में हो रहा है, करेंसी मार्केट में हो रहा है उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। तो थोड़ी कॉमेंट्री आई है ईसीबी की तरफ से, शायद उसका भी बाजार पर हल्का फुल्का आपने पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा है कि यूके तो एटलीस्ट ईजिंग कर रहा है, बट ईसीबी टाइटनिंग के ही मूड में आपको दिख रहा है। बट अदरवाइज आप देखें तो 200 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स आपको दिख रहा है, नैसडेक फ्यूचर्स में करीब 1% की गिरावट आपको दिख रही है। इनफैक्ट अब थोड़ा सुधरा है, बट हाँ ऑलमोस्ट 1% ही नीचे है। यूरोप के बाजार 1.5% नीचे थे, सुधर के अभी आपको 1% नीचे दिख रहे हैं। रुपया भी थोड़ा मजबूत हुआ है। क्या करना है अनिल जी, एक्सपायरी है ऑफकोर्स। मेरे हिसाब से तो थोड़ी शॉर्ट काटनी चाहिए, और थोड़ी बहुत अगर आप तेजी की पोजीशन बना सकते हैं तो एक हल्की सी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, ऐसा नहीं कि कल के कल पैसे बन जाए, उस हिसाब से बन जाए तो अच्छी बात है। थोड़ा सा आगे का सोच के खरीदने का मौका मुझे ज़्यादा दिखता है बजाय बेचने के। और अगर कुछ नहीं करना तो फिर कल देख लीजिए पॉलिसी के बाद क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सा कहीं जाने वाला है। लॉन्ग पोजीशन आपके पास है तो 16,600 का पुट ले लीजिए, शॉर्ट पोजीशन है तो 17,000 या 17,100 का कॉल ले लीजिए। बैंक निफ्टी पर आप 37,500 या 37,400 का पुट ले सकते हैं और 38,000 का कॉल ले सकते हैं अगर आपको हेजिंग करनी है तो। अदरवाइज मेरे हिसाब से हल्की फुल्की शॉर्ट करिंग, हल्की फुल्की खरीदारी करके जाने का वक्त है आज। हल्की फुल्की खरीदारी करनी, मैं शॉर्ट करके जाने के पक्ष में नहीं हूँ। नहीं है ना, ठीक है। वो सात रेड कैंडल का भी थोड़ा, हाँ मतलब जिस हिसाब से एक तरफा इतना गिरे हैं, थोड़ा शॉर्ट के लिए मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है वैसा, और नहीं हाँ। बाकी रिस्क तो है ये, माफ कीजिएगा, ओवरनाइट जो रिस्क है जी, या तो आप फिर कल सुबह देखें। राइट, और जैसे आप कल भी नहीं लेके अगर गैप से खुल गया तो कौन सा आज चाहिए जितना मिल रहा है ना। दिक्कत ये कि जो मिल रहा है उसके बाद रिकवरी नहीं आई, तो आपने अगर ले लिया दिन के दौरान तो बेचने का चांस नहीं मिला। तो खुलने के बाद भी आप अपना डायरेक्शन लेकर ट्रेड कर ले सकते हैं, और नहीं तो फिर आज आज डे लो पर बंद हो रहा है, 16,800 के आसपास बंद हो रहा है, तो आई थिंक हल्की फुल्की खरीदारी करके एक चांस ले सकते हैं, लेना चाहिए, लेना चाहिए। डन सर, तो चलिए थोड़ा हल्की फुल्की खरीदारी करके जाइए। रेयर होता है जब आप लगातार 7 दिनों की गिरावट देखें, सिर्फ 7 रेड कैंडल्स देखें, जिसके बारे में अभी कुणाल जी भी बात कर रहे थे, और ऊंचाई से तो आज निफ्टी काफी तेजी से नीचे भी आया था। आइए सुमित जी के लिए एक बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताए सुमित जी। दिवांशु, बाय का स्टॉक है और छोटा बैंकिंग स्टॉक है, जो कि अभी भाव चल रहा है 43.75 रुपए, 43.80 रुपए, 43.80। स्टॉक का नाम है यूनियन बैंक। कुछ दिनों के लिए यूनियन बैंक में खरीदारी करें। स्टॉक के अंदर एक अच्छी गिरावट के बाद आज क्लोजिंग आवर्स में पुल बैक और बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं, जिसके अंदर स्टॉक ने पिछले 3 दिनों का हाई ब्रेक किया है और लास्ट आधे घंटे के अंदर ही स्टॉक में मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ देखने को मिला है। तो पॉजिटिव प्राइस एक्शन विद वॉल्यूम्स के साथ ये आ रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक के अंदर 1-2 दिनों के अंदर या 2-4 दिनों के अंदर एक अच्छा पुल बैक बाउंस बैक ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट के ऊपर सपोर्ट बन रहा है 41.50 रुपए के पास बन रहा है, तो 41.50 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के यूनियन बैंक में यहाँ पे CMB पे खरीदारी करे। यहाँ से ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 47.50 का पहला टारगेट होगा, ये टारगेट अचीव होने के बाद नेक्स्ट टारगेट 50 रुपए तक का देखने को मिल सकता है। 47.50 से 50 के टारगेट्स के लिए यूनियन बैंक में खरीदारी करें 41.50 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। सिटी यूनियन बैंक नहीं भाई साहब, यूनियन बैंक। सिटी मत लगाओ, सिटी लगाते इसका भाव 3 गुना हो जाता है, 4 गुना।
यूनियन के आगे सिटी तो नहीं लगाना ना। नहीं नहीं अनिल जी, मार्केट में जिस तरह की अभी वॉलेटिलिटी और करेक्शन देखने को मिल रहा है, हाँ। अच्छे खासे लोगों की सिटी गायब है, तो सिटी नहीं लगाना है। फिर भी वो लोग अच्छे जिनकी सिर्फ सिटी बजी है, जिनका बैंड बजा उसका सोचो। क्या बोले थे आज हिमांशु जी, बोले थे ना कुछ, हाँ? हिमांशु जी ने डायलॉग मारा था ना आज बड़े दिनों बाद, अभी अभी धोखा था क्या? हाँ, धोखा तो शेयर मार्केट में हुआ है, शेयर मार्केट में हुआ है धोखा। आइए जय ठक्करे तैयार, बिल्कुल जय का जैकपॉट। बताएं जय, क्या है इरादा? जी अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू यू एंड गुड आफ्टरनून टू यू दीप। अनिल जी, खरीदना है डाबर फ्यूचर्स जो अभी 577 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इस लेवल्स पर खरीदे। यहां पे मुझे एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए देखने मिल रहा है, एंड एफएमसीजी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम ये सीरीज में हमें देखने मिला, और नेक्स्ट सीरीज के लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे पॉकेट से लाइक मैरिको, डाबर, एचयूएल अच्छा ही करेंगे। ऊपर में जो टारगेट्स इसके एनर्जी निकल कर आ रहे हैं पोजिशनल परस्पेक्टिव, दैट कम्स टू 595 एंड 607। सो 595, 607, ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे डाबर फ्यूचर को। अच्छा खासा इसमें मोमेंटम में रिवर्सल देखने मिल रहा है शॉर्ट टर्म में, वीकली चार्ट पर तो काफी पॉजिटिव है ही। एंड ऑन द डाउनसाइड जो स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा दैट वुड बी 565, 565 का आप अक्टूबर फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस लगाकर डाबर फ्यूचर्स को खरीदे। मुझे ऐसा लग रहा अच्छी तेजी यहाँ पे आपको एनर्जी आते हुए देखने मिलेगी। और जहां तक इंडेक्स का व्यू एनर्जी, सो मैंने सुबह कैश का ऑप्शन में बैंक निफ्टी दिया था, अभी भी मेरा व्यू कायम है, मैंने अभी आपको भी सुना। एंड यहाँ पे शॉर्ट साइड पर एनर्जी वो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, डिस्पाइट मैं कह रहा हूँ कि ओवरऑल ट्रेंड मीडियम टर्म में भले ही नेगेटिव हो अभी, पर शॉर्ट टर्म में काफी ओवरसोल्ड है, हेंस रिस्क रिवॉर्ड वो वहां पे बन नहीं रहा है। रिलायंस पर हमने कल पुट ऑप्शन दिया था, वहां पे एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने मिला, बट बैंक निफ्टी पर मुझे ऐसा लग रहा है कभी भी होल्ड कर जो मैंने स्टॉप लॉस दिया था, रेदर वो स्टॉप लॉस पर क्लोजिंग बेसिस आप स्टॉप लॉस लगाए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए एंड होल्ड ऑन टू इट। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी बाउंस वहां पे आपको देखने मिल सकता है, देयर आफ्टर वी कैन डिसाइड कि फर्दर लॉन्ग कैरी करना है कि फ्रेश शॉर्ट्स देना है वहां पे, बट इस लेवल्स पर फ्रेश शॉर्ट्स के लिए एनर्जी बैंक निफ्टी पर के निफ्टी पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं लग रहा इतना। तो शॉर्ट के लिए फेवरेबल नहीं है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। बिल्कुल, ये है आपके लिए इस समय निफ्टी बैंक पर रहा है और साथ ही मार्केट पर भी रहा है। पीएनबी में 11.5 लाख शेयर्स के सौदे होते दिखे। इनफैक्ट एक बार सारे पीएसयू बैंक्स जरा पुल अप करिए, क्योंकि सभी बैंक्स में हम देख रहे हैं एक बड़ा एक्शन आते हुए दिख रहा है जो पीएसयू बैंक्स हैं। यूनियन बैंक की अभी बात चल रही थी, बैंक ऑफ इंडिया देखिए 6% ऊपर है, इंडियन बैंक 5% ऊपर है, सेंट्रल बैंक 3.5% ऊपर है, कैनरा 3% ऊपर है, आईओबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको, इवन बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी में निचले स्तरों से खरीदारी आ रही है, और एसबीआई में भी निचले स्तरों से आपको खरीदारी आती हुई दिख रही है। तो सारे के सारे पीएसयू बैंक्स में आपको नीचे से एक्शन बनते हुए दिख रहा है और निचले स्तरों से आपको सारे एक्शन दिखा रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया अभी अभी देखिए 5.5% ऊपर है, यूनियन बैंक की जब बात चल रही थी, कैनरा में निचले स्तरों से अच्छी मूव आई है, पीएनबी और बैंक ऑफ इंडिया जैसे काउंटर्स में भी आपने एक जबरदस्त स्पाइक पिछले 5 मिनट में देखा है। पीएनबी पर तो 11.5 लाख शेयर्स के कई सौदे भी आपको होते हुए दिख रहे हैं, तो एक्टिव हो रहे हैं पीएसयू बैंक्स जस्ट टुवर्ड्स क्लोजिंग ऑफ ट्रेड। आई क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ काउंटर्स जहां पर आज एक अच्छी एक्सेप्शनल मूव आपको आती हुई दिखी है, उसमें एक दो और स्टॉक्स भी जोड़ लीजिए। टाटा केमिकल्स आज का पूरे दिन का स्टार रहा है, 5.5% ऊपर ये काउंटर भी आपको बंद होते हुए दिख रहा है, जो आशीष हाईलाइट भी कर रहे थे मॉर्गन स्टैनली की। आइए दमदार रिपोर्ट पर चलिए सीरीज की क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और इवेंटफुल लास्ट 7 डेज रहे, लगातार 7 दिनों की आज आपको गिरावट देखेगी अगर एंड में निफ्टी रिकवर होकर नहीं बंद होता है। तो आखिरी बार हमने ये फरवरी में देखा था, जब फरवरी की बड़ी गिरावट आई थी, मिड फेब में जो बड़ी गिरावट आई थी, उसके बाद आप लगातार 7 दिनों की गिरावट आज देख रहे हैं। एशियन पेंट्स टॉप लूजर 5% नीचे, टेक महिंद्रा 2.5% फिसला है, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, इन दोनों में आपने गिरावट देखी है, मारुति सुजुकी भी आपको कमजोर दिखा था, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व नीचे थे, टाइटन इस पर भी गिरावट रही, टीसीएस, अदानी पोर्ट्स, यूपीएल और ग्रासिम ये भी फिसले हैं। बैंक्स की बात करें तो कोटक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, ये चारों के चारों दिग्गज प्राइवेट बैंक्स गिरे हैं, हालांकि एंड में हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में रिकवरी आई है। कच्चे तेल में कल रिबाउंड आया था, उसकी वजह से ओएनजीसी 3% ऊपर है, हिंडालको 3% ऊपर है, अपोलो हॉस्पिटल्स में आपने अच्छा एक्शन देखा है, आईटीसी आज बाजार को सहारा दे रहा था, साथ ही बाकी डिफेंसिव जैसे कि डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला हो गया, सन फार्मा हो गया, इसमें भी आपने अच्छी खरीदारी बनती हुई देखी है। रुपया टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड
अपनी लगभग सारी गेंस गवाकर ही सिर्फ 9 पैसे मजबूत क्लोज होने के लिए तैयार है। एबिट में भी 6% का उछाल आपको आते हुए दिखाई, जाइडस लाइफ टाइम्स भी काफी एक्टिव था और टोरेंट फार्मा कल की गिरावट के बाद आज संभल भी रहा था। पीवीआर अच्छी खरीदारी इसमें रही, आईआरसीटीसी, पॉलीकैप, टाटा केमिकल्स, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, एबी फैशन, बीएचईएल, गोदरेज कंज्यूमर, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहां पर भी पॉजिटिविटी दिखी आपको। जीएसपीएल, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, एसआरएफ और गुजरात गैस, साथ ही बंधन बैंक, ये भी आपको पॉजिटिव दिखे। बट गिरावट आई है वोडाफोन आइडिया, 6.5% नीचे है, वापस 8.5 के लेवल के नीचे आ गया है। आरती इंडस्ट्रीज, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, 7 दिनों की तेजी का ट्रेंड आज इस काउंटर ने तोड़ा है, 4% नीचे रहा। दीपक नाइट्राइट, इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना, माइंड ट्री, एलएनटी इन्फोटेक, सारे के सारे आईटी स्टॉक्स आज फिर से फिसले हैं, हालांकि रुपए में कुछ ज्यादा बड़ी मूव वैसे तो नहीं आई। लुपिन यूएसएफडी की तरफ से तारापुर प्लांट के लिए वार्निंग लेटर आया था। टाइटन, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बिरला सॉफ्ट, टोरेंट पावर और कोफोर्ज, इस पर भी रखिए नजर। नजर रखिए श्री सीमेंट पर, आज इसका निफ्टी में है आखिरी दिन, कल से हो जाएगा बाहर। और नजर रखिए अदानी एंटरप्राइजेस पर जो एंट्री ले रहा है, और कल हमने आपको बताया भी था यूजुअली रीबैलेंसिंग के आसपास आप देखते हैं जो बाहर जा रहा होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, अच्छी गेंस दिखाता है बाद में, और जो अंदर आ रहा होता है वो नेगेटिव हो जाता है। एग्जैक्टली वैसा ही आज आपने श्री सीमेंट और अदानी एंटरप्राइजेस में देखा है। कैश के मार्केट के स्टॉक्स की बात करें, स्पार्क आज 4 बजे कॉन कॉल भी अपने आरएनडी पाइपलाइन पर कुछ कमेंट्री देने वाली है कंपनी, 14% ऊपर ये काउंटर है। मजगांव डॉक 8% ऊपर, प्रिज्म जॉनसन, अभी अविनाश जी इस पर श्रीकांत जी बात कर रहे थे, अच्छी तेजी। ग्लैक्सो फार्मा की भी बात कर रहे थे श्रीकांत जी, वहां पर भी अच्छी तेजी रही। जोमैटो 6.5% ऊपर रहा ये काउंटर। महिंद्रा लाइफ, भारत डायनामिक्स, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, ये कुछ और काउंटर्स थे जहां पर आपने अच्छी मूव देखी है। लगभग लगभग सपाट प्रोविजनल क्लोजिंग देता हुआ अनिल जी निफ्टी 16,850 के करीब, और बैंक निफ्टी भी सर और सिर्फ 70 पॉइंट ही नीचे 37,700 के लेवल पर। पर जिन लेवल्स पर ओपनिंग हुई थी और जैसी वॉलिटिलिटी दिखी थी उसके सामने लगभग फ्लैट क्लोजिंग बाजार आपको दे रहे हैं। बंद हो गया ना, बंद हो गया, सीरीज खत्म। खत्म, अब वापस सितंबर 2022 की सीरीज तो नहीं आएगी? नहीं आएगी। चलो ठीक है, थैंक यू। 3 पॉजिटिव सीरीज के बाद अब आपने ऐसी सीरीज। हर गुरुवार को जब मैं शो खत्म करता हूँ जी, उसके बाद हमारे सारे एक्सपर्ट्स एकदम अलर्ट हो जाता है, हाई अलर्ट मोड पे आते हैं। देखो भाई, आपको विश्वास है तो सबको दिखा दो और सब देखे। हाँ ये देखो, सब लोग एकदम हाई अलर्ट मोड पे, क्योंकि 4:30 बजे वाले शो को लेकर जो सवाल आते हैं ना, किसी भी तरह की किसी भी सवाल आ सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि ये सवाल कुशल को या बाकी आशीष को ही आते हैं, आप सबको भी आ सकते हैं। हर गुरुवार की तरह आज भी आपका पसंदीदा शो आ रहा है दुनिया भर की दिलचस्प स्टोरीज लेकर, बात दुनिया की, एक से एक बढ़िया खबरें थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे, झलक भी दिखाएंगे। अब सब अलर्ट हो गए ना, तब तक मैं दूसरे प्रोग्राम बताऊँगा पहले, ठीक है ना, उसके बाद मैं आता हूँ आपके पास। तो ये है आपके लिए दूसरा प्रोग्राम, उम्र 40 की और दिल 70 का। जी हाँ, हैरान परेशान मत होइए, सच है ये। जो दिल आपके लिए 2400 घंटे काम करता है वो हो रहा है बुढ़ा। और ये जो लोग है ना, बड़ी गलत फहमी में कहते हैं कि दिल तो जवान है, दिल तो जवान है। हाँ नहीं, बच्चा जवान, मतलब क्या क्या नहीं कह देते हैं, मतलब दरअसल ये आंकड़े परेशान करने वाले आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि सीवीडी से हर साल करीब 47 लाख लोगों की मौत होती है। 47 लाख बड़ा नंबर है दीप, हार्ट की बीमारियों से। आज वर्ल्ड हार्ट डे है, शाम 6 बजे हम इसी पर करेंगे बातचीत। आखिरकार भारत में लोगों का दिल बूढ़ा क्यों हो रहा है, भावनाओं से नहीं, सेहत के हिसाब से। भावनाओं में तो बंसल जी को पूछो, आपको पता चले मानेंगे नहीं कभी, बूढ़े का बोले बात कर ही मत। तो आज का हमारा विशेष शो यही है, दिल तो बुढ़ा है जी। तो जो मृत्यु जी, आपने कहा दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बुढ़ा है जी, ये हमारी आज की विशेष पेशकश है। और इस चर्चा में हमारा साथ देंगे डॉक्टर राकेश यादव साहब, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं एम्स से। डॉक्टर प्रवीण कुमार गोयल साहब हैं, वो भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं मेदांता हॉस्पिटल के, और फोर्टिस हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुण के चोपड़ा साहब, इन तीनों से करेंगे हम मुलाकात दिल तो बूढ़ा है जी शाम 5:56 पे। विशेष टिप्पणी चलते हैं, कहाँ है बंसल जी, बंसल जी बताए सर। अनिल जी बिल्कुल ठीक बोला, बहुत लोगों की अनिल जी डेथ हो रही है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस को लेके। तो अनिल जी इसका एक कारण तो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी ईटिंग, एक्सरसाइज ना करना, और दूसरा अनिल जी एक स्मोकिंग भी है, तो इन सब चीजों का अनिल जी पालन रखना चाहिए। ITC का शेयर लें बट सिगरेट से दूर रहें, और हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी ईटिंग को फॉलो करें अनिल जी। बढ़िया, चलो
तो बंसल जी ने अपनी विशेष टिप्पणी राय आपको दी। आज हम आपको बताएंगे हेल्दी पोर्टफोलियो बनाने के नुस्खे, जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप अभी बंसल जी को सुन रहे थे, खाना व्यायाम ये सब कुछ होना चाहिए, वैसे पोर्टफोलियो को हेल्दी रखने के लिए कहाँ निवेश करें ये बताएंगे। पोर्टफोलियो फिट मुनाफा हिट हमारे साथ होंगी सुरंजना बोर ठाकुर, सेल्स हेड बैंक एंड एनडी मिरे एसेट की, और साथ ही कविता कृष्णन सीनियर एनालिस्ट रिसर्च की मॉर्गन स्टैनली से, इन दोनों से करेंगे हम मॉर्निंग स्टार से माफ कीजिएगा इन दोनों से करेंगे हम मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट ने आज गर्भपात पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि विवाहित हों या अविवाहित सभी महिलाओं को सुरक्षित और कानूनन गर्भपात का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के क्या मायने हैं और गर्भपात को लेकर दूसरे देशों में क्या कानून है, अब तक हमारे देश में इसको लेकर और क्या कानून पहले बने हुए थे, इसका पूरा विश्लेषण होगा। गर्भ स्त्री का अधिकार स्त्री का, ये हमारी आज की कवर स्टोरी। आरबीआई कल एमपीसी की 3 दिनों की बैठक के बाद कल क्रेडिट पॉलिसी जारी करेगा। क्या इस बार फिर से ब्याज दरें बढ़ेगी, सवाल हाँ है, कितनी बढ़ेगी जान लीजिएगा। गिरते रुपए और बढ़ती महंगाई के बीच आरबीआई क्या कुछ करेगा, क्या कुछ करेगा, आरबीआई पॉलिसी दरें होंगी कैसी, ये आज शाम हमारी कवर स्टोरी, देखना मत भूलिएगा। और इन सब के बाद उस शो का इंतजार जो आप कर रहे हैं काफी देर से, बात दुनिया की। आइए दुनिया भर की दिलचस्प खबरों की एक झलक पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए। शरीफ ब्रदर्स की शराफत पर सवाल, ईरान मांगे हिजाब से आजादी, जापान में फ्री की सैलरी, और मंगल पर इंसान से पहले पहुंचा कचरा। देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। ओके, तो यह है आज की यह खास स्टोरी। जॉब करने वाले लोग कौन हैं, श्रीकांत जी हैं, जय ठक्कर है, हिमांशु जी हैं, सुमित जी हैं, चार लोग जॉब वाले और चार लोग सेल्फ एम्प्लॉय। हाँ अब बताइए किसको कोई स्टोरी पसंद आई हो तो बताइए जी। सुमित जी जापान फ्री सैलरी, ओके। सुमित जी की स्टोरी को सपोर्ट करने वाले कौन कौन है, फ्री सैलरी, जय ठक्कर, ओके, मृत्युंजय भी मृत्युंजय, अच्छा फ्री सैलरी, अच्छा जैन साहब आपकी पसंद की बताओ। नहीं नहीं मुझे तो ये पसंद बहुत आई है, ये जापान वाली फ्री सैलरी, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ का काम तो संभालते रहेंगे और जापान जाके थोड़ा सैलरी भी कमा ले। मून लाइटिंग आपके एम्प्लॉय ने ये सोच लिया, आपके एम्प्लॉय ने डिमांड कर दी कि जैन साहब से फ्री सैलरी लेंगे, तो सोच लेना लेने के देने पड़ जाएंगे। तो जापान में फ्री सैलरी, अच्छा बाय द वे स्टोरी वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मार्स में पहले कचरा पहुंच गया, इंसान से पहले कचरा पहुंच गया, गजब है जी जी। तो चलिए गजब जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए ये तो बिल्कुल वैसी बात हुई है अनिल जी, डीमैट बाद में खुला, पहले कचरा स्टॉक उसमें आ जाए अनिल जी, वैसे ही हो गया है तो। एब्सोल्युटली, तो बिल्कुल, तो ये आपके लिए आज का विशेष शो, मिस मत कीजिएगा। चलिए विदा लेने का वक्त है, वागे साहब कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद श्रीकांत जी का, जय ठक्कर साहब का, जैन साहब और हिमांशु जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज साथ देने के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी कल है, आप सबको पता है, कल सुबह आप पूरी तैयारी के साथ आइएगा क्योंकि आपको आरबीआई की पॉलिसी की कवरेज मिलेगी जी बिजनेस पर 9:45 से लगातार बार बार। अजय बग्गा साहब, अतुल जोशी साहब तो हमारे साथ होंगे ही जो आपको पॉलिसी का पूरा विश्लेषण देंगे, महेंद्र जाजू साहब के साथ और राहुल अरोड़ा साहब भी हमारे स्टूडियो में आपको मिलेंगे पॉलिसी का पूरा विश्लेषण देने के लिए, और बाकी पूरे के पूरे हंसते मुस्कुराते हुए पैनल के साथ तो आपके साथ मुलाकात होगी। सबके सब जो एक्सपर्ट्स आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आपको कल सुबह भी मिलेंगे। मुझे दीप को इजाजत दीजिए।